नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है डायरेक्ट टैक्स के न्यू लेक्चर में। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी, और काफी कुछ हमने खत्म कर दिया है, काफी कुछ अभी आज खत्म होने वाला है। तो अब आज की क्लास के बाद यू कैन रेफर क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक ये हमारा हाउस प्रॉपर्टी का है, तो अब आप आसानी से क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं। एक बात मैं बता दूं, कुछ मैंने एग्जाम्पल्स अपने हाथ से बनवाए हैं, कुछ एग्जाम के ही एग्जाम्पल्स आपको लिखवाए हैं क्लास में, कुछ ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये आपको अपने आप से सॉल्व करने हैं। इसमें से काफी क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवाऊंगा, बाकी जो मैं होमवर्क में दूंगा वो आपको सॉल्व करने हैं। तो जितना जल्दी जितना ज्यादा प्रैक्टिस हो सके उतना करो, आपके हाथ से जितना सॉल्व होता रहेगा उतना अच्छा रहेगा, बजाय मेरे हाथ से सॉल्व होने के, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में आपको बैठना है, मुझे नहीं बैठना है। मैंने ये क्वेश्चन कई कई बार सॉल्व कर रखे हैं, बट आपके लिए हो सकता है क्वेश्चन नए हो, या हो सकता है आपने पहले भी सॉल्व किए हो बट कॉन्सेप्चुअली क्लियर ना हो के बस आपने क्वेश्चन पढ़े, जहां पर अटके आंसर देख लिया और सॉल्व किया। बट जब मेरे साथ आप पढ़ेंगे तो आपकी अप्रोच क्या रहेगी कि आप पहले मेरे से पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, मैं आपको उसके ऊपर एग्जाम्पल्स करवाऊंगा, फिर प्रैक्टिकली कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर आपको होमवर्क जो दूंगा वो आप होमवर्क करेंगे। होमवर्क आप कैसे करेंगे, सबसे पहले क्लास खत्म होते ही आपको घर जाकर पूरा का पूरा जितना भी उस दिन की क्लास का या उससे पहले की क्लास का, जैसे अभी तक हाउस प्रॉपर्टी की दो या तीन क्लासेस हुई हैं, तो वो सारा रिवाइज करके आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठेंगे, कॉन्सेप्ट लगाएंगे, थोड़ा सा रुकेंगे। ये बिल्कुल मत करना जहां पर भी आप अटको एकदम से तुरंत आंसर देखना शुरू किया, नहीं, ये बिल्कुल गलत अप्रोच है, क्योंकि एग्जाम में आपके पास क्या आंसर शीट नहीं होगी। आपको सीधा जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो आप अटक जाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कॉन्सेप्ट पर जाओ, कॉन्सेप्चुअल रजिस्टर है या बुक पर जाओ कि सर ने क्या लिखवाया था, क्या ऐसा कोई पॉइंट सर ने नोट डाउन करवाया था, वहां आपको पक्का 110% सॉल्यूशन जरूर मिलेगा, बजाय इसके कि उसका आंसर चेक करो उस क्वेश्चन का। पहले खुद का दिमाग अप्लाई करना सीखो, हो सकता है एक दो क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको खुद का दिमाग अप्लाई करना आ गया तो एग्जाम में भी खुद का ही दिमाग अप्लाई करोगे। बच्चों को दिक्कत यही होती है, वो जल्दी आंसर की तरफ भागते हैं, जैसे ही अटकेंगे मैं फटाफट आंसर देख लेता हूं, नहीं, आप कॉन्सेप्ट देखो उसकी बजाय कि क्या कॉन्सेप्ट था, क्या सर ने क्लास में बताया, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालो, 5-10 मिनट लगाओ, दिमाग को खर्चो, तब जाकर उसके सॉल्यूशंस बनना शुरू होते हैं। चलिए एक और बात, आज की खास बात क्या है कि जो आज तारीख है वो है 1st of Feb, 1st फरवरी है, इस महीने में आपका ये बैच कंप्लीट हो जाएगा और बहुत अच्छे से कंप्लीट होगा। ये नहीं है कि जैसे ही बैच कंप्लीट होगा आपका हमारा साथ खत्म हो गया, नहीं, आपका हमारा साथ वहां से हुआ और गहरा और शुरू। कैसे सर, मैंने आपको क्लास करा दी, मैंने आपको क्वेश्चन बैंक दे दिए, मैंने आपको प्रैक्टिस करा दी, होमवर्क दे दिया, सारी चीजें करवा दी, लेकिन अब जब आपको डाउट आएंगे तो मैं आपके लिए वहीं पर खड़ा हूं तुरंत एग्जाम तक। कभी भी कोई डाउट हो, कोई डीमोटिवेशन आए, कुछ भी मोरल डाउन हो, यू कैन कॉन्टेक्ट मी विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है। चलिए तो फटाफट रजिस्टर निकाल लो, आज की डेट डाल लो, आज तारीख है 1st of Feb 2024। क्या हुआ है आज बजट आया है, बजट आ चुका है, एज सच ये इंटरिम बजट है, मैंने कहा था ये इलेक्शन ईयर है, आपको मैंने समझाया था 2024 इलेक्शन ईयर है, इसमें दो बजट आएंगे, एक बजट आ गया 1st फेब को, एक आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 15th जून या जुलाई को, वो होगा इलेक्शन के हिसाब से कौन से महीने में इलेक्शन होते हैं, जून जुलाई अगस्त जब भी वो बजट आना होगा वो आएगा, दूसरा बजट वो होगा फाइनल बजट, ये इंटरिम बजट है। तो आज जो बजट आया है अभी तक एज सच जितना भी मैंने बजट सुना है उसमें एज सच फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ भी चेंज नहीं डाला है, स्लैब रेट वगैरह, जीएसटी के रेट वगैरह सारे सब कुछ सेम रखे उन्होंने, क्यों, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उन्होंने जो भी एक माहौल क्रिएट किया है, एक अपना एक यू नो कहते हैं एक अपना वर्चस्व बनाया है पब्लिक में, एक अच्छी इमेज क्रिएट की है, उसको वो खराब नहीं करना चाहते, तो वो हार्श चीजें अभी नहीं लेकर आएंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली वो इलेक्शन जीतेंगे, और अगर उनको कुछ हार्श चीजें लानी होंगी तो वो इधर लेकर आएंगे, मतलब जो पब्लिक को नागुजार हो, क्योंकि पता रहता है, ऑब्वियसली पता रहता है कि अगर मैं ये स्टेप लूंगा तो पब्लिक को नागुजार होगा ही होगा, ठीक है। ठीक है जी, चलो तो सबसे पहले अपना रिचुअल्स करते हैं, सर रिचुअल्स में क्या जो कल हमने पढ़ा एक बार फटाफट वो रिवाइज करेंगे, उसके बाद ही हम आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे।
चलिए जी, कल हमने यहां से शुरुआत की थी 31 जैन 2024 की, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24 बी। इससे पहले हमने म्युनिसिपल टैक्सेस तक आपको रिवाइज करवा दिया था। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 बी में दो तरह की डिडक्शन थी, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 ए 24 बी। 24 ए में थी मेरी स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कितनी मिलती है सर? स्टैंडर्ड डिडक्शन तो 50,000 मिलती है, 50,000 मिलती है सैलरी चैप्टर में। हम बात कर रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी की। हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्शन जो मिलेगी वो आपको 30% ऑफ एनएवी मिलती है, 30% ऑफ एनएवी। और अगर बाई चांस आपका एनएवी नेगेटिव आ गया तो सर, अगर बाई चांस मेरा एनएवी नेगेटिव आ गया उस केस में कभी भी स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन किसके बदले में मिलती है? रेंट, रिपेयर, इंश्योरेंस वगैरह, रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह, आपने कुछ भी कराए उसके बदले में आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन फिक्स परसेंटेज हर साल दिया जाता है बिना किसी रुकावट के। उसके बाद में बात करूं डिडक्शन 24 बी की। 24 बी में क्या होता है कि आपने जो लोन लिया है उसका जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं या पे करेंगे उसकी आपको डिडक्शन मिलती है। जब जब आप पे करेंगे तब तब आपको डिडक्शन अलाउ होती रहेगी। सर क्या एक्रुअल बेसिस पर भी अलाउड हो जाएगी? हाँ, एक्रुअल बेसिस पर भी अलाउड हो जाएगी। चलो, कल मैंने आपको बताया था कि जो भी हाउस प्रॉपर्टी के लोन की इंस्टॉलमेंट जाती है उसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक प्रिंसिपल अमाउंट होता है, एक इंटरेस्ट अमाउंट होता है। प्रिंसिपल अमाउंट की डिडक्शन कहां मिलती है सर? 80 सी में मिलती है। और अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं तो उसकी डिडक्शन कहां मिलती है सर? 24 बी में मिलती है। बहुत बढ़िया। इंटरेस्ट पेड इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, आप कहीं भी पर भी इंटरेस्ट पे करें हाउसिंग लोन के लिए आपको उसकी डिडक्शन मिलेगी ही मिलेगी, बोथ आर अलाउड। लेकिन अगर आप आउट ऑफ इंडिया पे कर रहे हैं तो आपको TDS के प्रोविजंस अप्लाई करने पड़ेंगे, TDS काटना पड़ेगा। अगर कोई भी आप ब्रोकिंग, प्रोसेसिंग, कमीशन कुछ भी आप पे कर रहे हैं उस लोन को लेने के लिए तो वो आपको अलाउड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिकली इन्होंने बोला सिर्फ इंटरेस्ट पार्ट, लोन का इंटरेस्ट पार्ट ही अलाउ होगा। पैनल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट क्या अलाउड होगा? बिल्कुल अलाउड नहीं होगा। पैनल इंटरेस्ट का मतलब आपकी कोई किस्त बाउंस हो गई, आपने इंटरेस्ट नहीं दिया तो उसके ऊपर उन्होंने इंटरेस्ट चार्ज कर दिया इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, तो वो कभी भी अलाउड नहीं होता। फ्रेश लोन टेकन टू रीपे ओरिजिनल लोन हमेशा अलाउड हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर जो मेन पर्पस था हमारा वो कल हमने बात की थी प्री कंस्ट्रक्शन और पोस्ट कंस्ट्रक्शन की। प्री कंस्ट्रक्शन का क्या मतलब था कि जब भी आपको सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिले उससे पहले जो भी 31 दिसंबर था कि 31 मार्च था सर, 31 मार्च था, उससे पहले कि जो भी 31 मार्च आए वहां तक आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड होगा। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो इंटरेस्ट होगा वो आपको कितना अलाउड होगा? पूरा का पूरा अलाउड हो जाएगा? नहीं सर, वो हमें 1/5 करके अलाउड होगा हर साल। दैट मींस जिस साल में मैं घर कंप्लीट करूंगा वहां से उसकी डिडक्शन मिलना शुरू होगी। कितना? 1/5, मतलब अगले 5 साल तक, जब घर कंप्लीट हुआ उसके अगले 5 साल तक, वो साल इंक्लूड करके 5 साल तक उसकी डिडक्शन मिलती रहेगी। पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड की बात करूं तो हर साल जितना भी पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड होगा उस साल का उसी साल में डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 बी मिल जाएगी। दैट मींस पहले 5 साल तक प्री का भी मिलेगा और पोस्ट का भी मिलेगा, और 6वें साल से सिर्फ और सिर्फ कौन सा मिलेगा? पोस्ट का मिलेगा। बता दिया था ऑलरेडी? हाँ सर, एग्जाम्पल के साथ समझा दिया था। हाँ सर, समझा दिया था। चलो बहुत बढ़िया बात है। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कौन सा होता है? प्री कंस्ट्रक्शन। हाँ सर, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का सबसे पहले आपका जो मेन मैंने बताया था आपको दिक्कत कहाँ आएगी, आपको प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड निकालने में दिक्कत आएगी। अगर आपने पीरियड निकाल लिया तो उसका कुछ नहीं करना, सीधा मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय अमाउंट ऑफ लोन, ये तो आप 11वीं क्लास से करते आ रहे हो, इजिकल टू में डाल देना, या हो सकता है उससे पहले भी कर रहे हो मैथ में। हाँ सर, इजिकल टू करके आप अमाउंट निकाल सकते हो इंटरेस्ट की। फिर आपको निकलना है डिडक्शन कितनी अलाउ होगी 24 बी में। ठीक है, ठीक है जी, आओ जी। दो मैंने केसेस बताए प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में। प्री कंस्ट्रक्शन के केस में दो केसेस ऐसे हैं, अगर मैं दोनों को बायफर्केट करूं तो दो केसेस मैंने ऐसे बताए जिसमें कि रीपेमेंट ऑफ लोन अलग अलग टाइम पर होता है। जैसे जो पहले वाला मेरा केस था, उस केस में क्या था कि जो आप रीपेमेंट कर रहे हैं वो कंप्लीशन से भी पहले कर रहे हैं। बहुत कम ऐसे केसेस पाए जाते हैं रीपेमेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी लोन कंप्लीट होने से पहले की जा रही है, पहले हो गई होगी। कैसे सर?
क्योंकि कंस्ट्रक्शन में कई बार हो सकता है बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, तो उससे पहले ही मेरे को क्या मिल गया, क्या मिल गया सर? हमें कुछ नहीं मिला, आपने रीपेमेंट पूरी कर दी, रीपेमेंट पूरी कर दी। तो इसमें प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या कौन सा होगा? इसमें प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड होगा फ्रॉम डेट ऑफ लोन टू रीपेमेंट ऑफ लोन, जब भी आपने रीपेमेंट की। ओनली कंप्लीटेड मंथ्स मुझे यहां कर ले, यहां से लेकर चलने हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, ये मेरा हो गया प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। एग्जाम पर्पज में ये वाला केस थोड़ा सा एज कंपेरेटिवली इस वाले केस के कम देखा गया, क्योंकि ये वाला सिनेरियो बहुत कम केसेस में होता है। जो अमूमन तौर पर होता है वो ये होता है, और प्रैक्टिकली भी यही समझ में आता है, डाइजेस्ट भी यही होता है कि रीपेमेंट हो रही है वो कंप्लीशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी के बाद हो रही है, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी का लोन कई सालों तक चलता है। मैंने कल आपसे पूछा नहीं, हाउस प्रॉपर्टी का लोन मैक्सिमम कितने साल का हो सकता है? इज देयर एनी बार लिमिट? इज देयर एनी बार लिमिट फॉर हाउस प्रॉपर्टी लोन? किसी को पता है, यस और नो? मैं आपको बता दूं, हाउस प्रॉपर्टी का लोन 25 इयर्स से लेकर 30 इयर्स तक चला जाता है, 30 इयर्स अप टू 30 इयर्स तक 30 साल का भी हाउस प्रॉपर्टी का लोन होता है। तो ये वाला केस एकदम फिट बैठता है हर सिनेरियो के हिसाब से। पहले आपने लोन लिया, 2-4-5 साल में घर कंप्लीट हुआ, फिर अगले 8-10-20 साल वो किस्तें चलती रही लोन की। ठीक है, ठीक है सर। इस वाले केस में प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कौन सा होगा? तो जब भी आप लोन लेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ लोन टू 31st मार्च प्रायर टू कंप्लीशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, जिस भी साल में कंप्लीट होगा उससे जस्ट पहले का 31st मार्च होगा क्या? उससे जस्ट पहले का 31st मार्च क्या होगा सर? उससे पहले का जस्ट 31st मार्च होगा कि मेरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट की बार लिमिट होगी। दैट मीन्स वहां तक मैं मानकर चलूंगा कि यहां तक मेरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट होगा। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए थे आपसे ही करवाए थे, कुछ एग्जांपल्स हैं ये सारे के सारे, कल हम लोगों ने किए थे, एक एक करके सारे सॉल्व किए थे। फिर मैंने एक क्वेश्चन बनाया था, पूरा एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन है। ये मैंने सोचा मैंने हाथ से लिख पाया था तो अपना कोई एग्जाम नहीं, सारे एग्जाम के ये मैंने कल आपको होमवर्क दिया था। होप सो आपने ये जरूर सॉल्व किया होगा, बिल्कुल सिंपल था, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं थी, सिर्फ मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया था। ठीक है, ठीक है जी। चलो आज हम क्लास की शुरुआत करते हैं, कल की ही क्लास जहां हमने रोकी थी उसी को फर्दर कंटिन्यू करते हुए, और आज की क्लास हम करेंगे एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ शुरू करेंगे। देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। मिस्टर रणबीर प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटेड टू हिज हाउस प्रॉपर्टी। समझना जी, ध्यान से समझना। म्युनिसिपल रेंट, म्युनिसिपल रेंट हो गया आपका 22,000 पर मंथ, उसके बाद हो गया फेयर रेंट, फेयर रेंट हो गया 20,000 पर मंथ, उसके बाद अपना कौन सा आता है स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट है मेरा 22,000 पर मंथ, उसके बाद मेरा रेंट एक्चुअल रेंट, ₹25,000 पर मंथ। हाँ जी, म्युनिसिपल टैक्स है मेरा 15% और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल प्री पोस्ट, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल प्री पोस्ट ₹20,000 टोटल इंटरेस्ट प्री का, और पोस्ट का इंटरेस्ट है मेरा
25,000 रुपये कैलकुलेट। हाउस प्रॉपर्टी इनकम आपके लिए ये क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, फटाफट जितना जल्दी हो सके सॉल्व करो। पहले आपसे सॉल्व करवाएंगे फिर हम सॉल्व करेंगे, कुछ दिक्कत आई तो मैं बैठा, मैं खड़ा हूं तुम्हारे पीछे यार, सॉल्व करो फटाफट, डरना नहीं है, जितना सॉल्व हो सके उतना सॉल्व करो। हालांकि सारे कॉन्सेप्ट मैंने बता रखे, A to Z कॉन्सेप्ट मैंने बता रखे। ये 20,000 है, कई बच्चों ने तो अभी तक निकाल भी लिया होगा। फटाफट और मैं बता दूं, मैं कुछ नई चीज शुरू करने जा रहा हूं YouTube पर, जिसमें हम लाइव बैठेंगे YouTube पर, और आपके जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं आप वहां पर भी मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली, सब्जेक्ट रिलेटेड विदाउट सब्जेक्ट रिलेटेड, लेकिन सब्जेक्ट रिलेटेड सिर्फ डायरेक्ट टैक्स के, और सिर्फ वहीं तक के जहां तक हमने आपको पढ़ाया है। दैट मीन्स आप 4 चैप्टर में से डाउट पूछ सकते हैं, हाउस प्रॉपर्टी तक यू कैन आस्क डाउट। इससे आगे कोई डाउट है, क्योंकि मैंने अभी बैच में करवाया नहीं है और चैप्टर, तो वो मैं लाइव नहीं ले सकता। अदरवाइज यू कैन आस्क मी ऑन माई टेलीफोन नंबर दिस 7 to 8 PM। अगर इसके अलावा इनकम टैक्स में कोई भी डाउट है, अगर आप रिविजन कर रहे हैं साथ में और चैप्टर भी आपने चला रखे, तो यू कैन आस्क बट ऑन मोबाइल। अब जब हम यूट्यूब पर लाइव बैठेंगे तो यू कैन आस्क जो जो चैप्टर हमने करवाए। फटाफट सॉल्व करो, फुल फ्लेज क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। सॉल्व करें, इतनी देर नहीं लगनी चाहिए थी। चलो जी, छोटा सा क्वेश्चन है यार, प्यारा सा क्वेश्चन है। आंसर, सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, एक फॉर्मेट बनाएंगे बहुत सुंदर सा, उस फॉर्मेट को आप ऐसे डिजाइन करेंगे, उसके ऊपर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इनकम ऑफ मिस्टर रणबीर फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। ठीक है, ठीक है जी, मेरे यहाँ पर जगह नहीं थी इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया, हालांकि जगह मैं बना सकता हूँ। चलो छोड़ो यार, ठीक, लिखो फॉर्मेट अपना सबसे आसान है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू वर्किंग नोट 1 माइनस म्युनिसिपल टैक्स आपका क्या आ जाएगा। सर मेरा आ जाएगा NAV, या फिर कहूँ नेट एनुअल वैल्यू, उसके बाद माइनस करेंगे डिडक्शंस, कौन कौन सी 24A 24B, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन होगी, सॉरी, और इंटरेस्ट ऑन लोन।
और जो भी फिगर निकल कर आएगी वो क्या आएगी, मेरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सबसे पहले जीएवी निकाल लेते हैं, वर्किंग नोट नंबर वन, जीएवी निकालो, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। हाँ जी लिखो, म्युनिसिपल रेंट 22,000, फेयर रेंट 20,000, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, या म्युनिसिपल रेंट भी लिख सकते हो, 22,000, 20,000 पर मंथ, पर मंथ विच एवर इज सर हायर, जो भी फिगर हायर है। स्टैंडर्ड रेंट कितना, 22,000 रुपये, स्टैंडर्ड रेंट एंड हायर फिगर। हायर फिगर आई मेरी 22,000 पर मंथ, और मेरा स्टैंडर्ड रेंट भी है 22,000 पर मंथ, विच एवर इज लोअर। एक्सपेक्टेड रेंट कितना निकल के आया सर, 22,000 पर मंथ। यस और नो? रेंट रिसीव्ड कंपेयर करो, रेंट रिसीव्ड से एक्सपेक्टेड रेंट, रेंट रिसीव्ड 22,000 पर मंथ, 25,000 पर मंथ, विच एवर इज हायर। जीएवी कितना निकल के आया सर, 25,000 पर मंथ। चलो जी 25,000 पर मंथ कैसे उठा लो, 25,000 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12, 3 लाख। हाँ सर, म्यूनसिपल टैक्स, म्यूनसिपल टैक्स कितना बोला सर, 15%। तो जो भी आया ये बोला हुआ है 15%, तो 15 पर 3 लाख का 15% कर दूँ, 45,000 कर दूँ यहाँ पर। यस और नो? 15% बोला था तो 3 लाख का 45,000 कर दिया, क्या ये ठीक है कि गलत? हाँ जी ठीक है कि गलत किया है मैंने, कोई बताएगा? हाँ जी सर, ये आपने गलत किया है, सीधी बात, नो बकवास सर। ये 15% म्युनिसिपल वैल्यूएशन का होता है, तो म्युनिसिपल वैल्यू कितनी निकल कर आई सर, ये निकल कर आई मेरी 22,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 2,64,000। तो ये होगा 2,64,000 का 15%। अब ठीक है सर, 39,600, 39,600 माइनस करवा देंगे, 2,60,400, 2,60,400, कोई दिक्कत यहाँ तक? स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी है सर, 30% ऑफ एनएवी, 30% ऑफ एनएवी 78,120, 78,120। हाँ सर, इंटरेस्ट ऑन लोन वर्किंग नोट टू, हमेशा वर्किंग नोट ऐसे बनाकर आना, वर्किंग नोट टू, इंटरेस्ट ऑन लोन, प्री पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड, कंस्ट्रक्शन पीरियड कितना हुआ जी, परी का कितना है सर, परी का है 20,000 टोटल लिखा है मैंने, ध्यान देना शब्द है टोटल, 20,000 टोटल, तो 20,000 नहीं लेना, 20,000 डिवाइडेड बाय 5 तब लेना है, और ये पूरा 1,25,000। तो पोस्ट का कितना है 1,25,000, और परी का है 20,000 डिवाइड बाय 5, दैट मीन्स 4,000। टोटल हुआ 1,29,000, माइनस करो 1,29,000, ये हो गया 2,640 माइनस 78,120 माइनस 1,29,000, ये आया 53,280। हाँ जी चेक करो,
इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये फुल फ्लेज आपकी एग्जाम की प्रेजेंटेशन है। हाउस प्रॉपर्टी एचपी की जगह हाउस प्रॉपर्टी लिख लेना, वहां शॉर्टकट मत चला कर आना। एग्जाम में टाइम कम हो तो यू कैन यूज शॉर्टकट्स। अब लास्ट के बिल्कुल ही 5-10 मिनट बटे हैं, ये आसान क्वेश्चन आपको मिल गया, आपने चुपचाप जितना जल्दी हो सके निकाल दिया, ठीक है। तो हमेशा अगर टाइम है पूरा तो पूरा का पूरा वर्किंग नोट वगैरह अच्छे से बनाया, अगर बाई चांस कम टाइम रह गया, सही आपकी कैलकुलेशन सही नहीं बैठ पाई, तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे एचपी वगैरह यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यार सामने वाला भी चार्टर्ड अकाउंटेंट ही है, उसको भी पता है बच्चा क्या कहना चाहता है, तो वो कई बार कर देता है। चलो ठीक ठीक है, हाँ जी कोई दिक्कत। हाँ जी चल सकते हैं, एक क्वेश्चन और दे दूं ऐसा ही, या इससे अच्छा यू कहें, इससे अच्छा क्वेश्चन दे देते हैं आपको। चलो जी आ जाओ, मिस्टर जतिन हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू हिज हाउस प्रॉपर्टी। देखना जी, कमाल के क्वेश्चन है, कमाल के क्वेश्चन बना रखे हैं मैंने, सिर्फ आप लोगों के लिए बनाए हैं ये क्वेश्चन। एक हो गया म्युनिसिपल रेंट, एक हो गया फेयर रेंट, एक हो गया स्टैंडर्ड रेंट, एक हो गया एक्चुअल रेंट, एक हो गया अनरियलाइज रेंट, और एक हो गया म्युनिसिपल टैक्स। एक हो गया इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, ठीक है। ठीक है जी, एक एक करके लिखो। म्युनिसिपल रेंट कितना? 22,000 पर मंथ। फेयर रेंट कितना? 21,000 पर मंथ। स्टैंडर्ड रेंट कितना? 24,000 पर मंथ। एक्चुअल रेंट कितना? 25,000 पर मंथ। अनरियलाइज रेंट कितना? अनरियलाइज रेंट 10,000 रुपये नहीं मिल पाया आपको, पर एनम का। म्युनिसिपल टैक्सेस 15%, एक्चुअली पेड, या फिर इसको इधर लिखते हैं, एक्चुअली पेड 50% एंड आउट ऑफ इट 50% पेड बाय टेनेंट। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल परी का है 1 लाख रुपीज, पोस्ट का है 25,000। कैलकुलेट
हाउस प्रॉपर्टी इनकम ऑफ मिस्टर जतिन, कैलकुलेट हाउस प्रॉपर्टी इनकम ऑफ मिस्टर जतिन, फटाफट करो। ये लो पूरा क्वेश्चन स्क्रीन पर आपकी, ये रहा, फटाफट सॉल्व होना चाहिए। टेक योर टाइम। टेक योर टाइम। जितने कॉन्सेप्ट अभी तक बताए हैं सारे के सारे अप्लाई। क्वेश्चन में सिर्फ फॉन्ट चेंज होगा और इंस्टीट्यूट के फॉन्ट में आ जाएगा, बाकी कुछ नहीं होगा इसमें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। शुरू करें, कैन वी स्टार्ट? वर्किंग नोट अपने बना लेना पूरे के पूरे। मैंने पिछले क्वेश्चन में पूरा एग्जाम फॉर्मेट समझाया आपको कि आपको कैसे एग्जाम में सॉल्व करना है। चलिए एक दो मिनट और लोगे? लो लो, कोई दिक्कत नहीं। चलें, चल सबसे पहली बात, सॉल्यूशन कैलकुलेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इनकम ऑफ मिस्टर जतिन फॉर असेसमेंट ईयर 24-25।
आओ जी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू पॉपुलरली नोन एज जीएवी। सबसे पहले जीएवी चेक करते हैं, इन दोनों में हायर क्या फिगर निकल के आई सर, 22,000, और जो भी निकल के आई कंपेयर दिस विद दिस, दोनों में लोअर क्या निकल के आई सर, 22,000। समझ आ रहा है, म्यूनसिपल रेंट और फेयर रेंट दोनों को कंपेयर किया, दोनों में सबसे पहले लेंगे हायर फिगर 22,000 वर्सेस 21,000, हायर इज 22,000। जो भी फिगर हायर फिगर निकल के आई उसको कंपेयर करवाएंगे स्टैंडर्ड रेंट के साथ, 24,000, 22,000, विच एवर इज लोअर, लोअर में 22,000, एंड नाउ फाइनली फाइनली कंपेयर विद दिस एंड दिस। नाउ फाइनली कंपेयर विद दिस एंड दिस एंड टेक हायर, हायर कौन सा है सर, 25,000। दैट मीन्स 25,000 इज योर फाइनल जी ए वी, 25,000, 25,000 मल्टीप्लाई बाय 12, और इसमें से माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे अनरियलाइज रेंट 10,000 पर एनम का है, क्या इसमें से 10,000 में माइनस करके चलूंगा, यस और नो, कोई बच्चा मुझे बतलाएगा, कोई बच्चा मुझे बतलाएगा कि 24,000 में माइनस करके चलूंगा कि नहीं चलूंगा। हाँ सर चलो, 25,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 3 लाख माइनस 10,000, 2,90,000 जी ए वी, माइनस करवाएंगे म्यूनसिपल टैक्स, म्यूनसिपल टैक्स आप चाहो तो प्रेजेंटेशन में ऐसे भी लिख सकते हो, साथ के साथ में वर्किंग नोट बना सकते हो या अलग से वर्किंग नोट बना सकते हो, टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ये भी वो भी दोनों फॉर्मेट ठीक है, ज्यादा उसको प्रेफर किया जाता है वर्किंग नोट अलग से बनाया जाता है ताकि इसमें एकदम से बड़ा बड़ा फॉर्मेट ना लगे, उसको जब एग्जामिनर को चेक करना होगा फटाफट वो 4 पॉइंट यहाँ पर चेक करेगा, आंसर ठीक है तो वो निकाल कर दे देता है मार्क्स, कई बार उसको भी जल्दबाजी होती घर जाने की, तुम्हें तुम्हें नहीं होती। चलो तो कितना है जी म्यूनसिपल टैक्स सर, 15%, 50% की 15% किसका लूंगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू का कि म्यूनसिपल वैल्यू का सर, म्यूनसिपल वैल्यू का, म्यूनसिपल वैल्यू कितनी है 22,000 पर मंथ, 22,000 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12, ये हो गया 2,64,000 एनुअली, 22,000 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12, हाँ जी ठीक है 2,64,000, वो कह रहा है उसका म्यूनसिपल टैक्स है 15% का, 15% ये आ गया 39,600, 39,600 एक्चुअली पेड 50%, इसका इन्होंने सिर्फ 50% पे किया है 19,800, 19,800 हाँ सर, उसमें से भी 50% टेनेंट ने पे किया, तो एम्प्लॉय इसने लैंडलॉर्ड ने कितना पे किया सर, उसका भी 50%, दैट मींस 9,900, 9,900 कैलकुलेशंस यहां लिख दें, हाँ सर लिख दो, क्या दिक्कत है, नहीं तुम्हें तो क्या ही दिक्कत होगी, क्या स्क्रीनशॉट चल रहे हैं, अरे यार क्या चल रहा था, हाँ 2 लाख कितना आया था सर, ये था 22,000 पर मंथ, दैट मीन्स 22,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 2,64,000 का 15%, हाँ सर कितना आया सर, ये आया 39,600, 39,600 का 50%, का 50% ये आ गया 19,900 सर, दो बार 50 क्यों किया है, क्योंकि एक बार उन्होंने एक्चुअली पे ही 50% किया है, मैंने आपको बताया था म्यूनसिपल टैक्स एक्चुअली पेड बाय ओनर, एक्चुअली कितना पे किया 50%, और आउट ऑफ इट लाइन है, आउट ऑफ इट किस में से जो पे किया है उसमें से भी 50% टेनेंट ने पैसे दे रखे हैं,
देखिए 15% बनता था लेकिन इसने 50% ही पे किया, दूसरे तरीके से देखें तो 7.5% पे किया है, 7.5 का 50%, दैट मीन्स 3.25, 7.5 का 50%, 3.75 सॉरी 3.75%, एक्चुअल में 3.75% निकाल लो किसका, 2,64,000 का, वही आएगा आंसर, ये आ गया 9,900। म्यूनसिपल टैक्स एनएवी कितना आ गया, नेट एनुअल वैल्यू, एनएवी से ना वो याद रहता है, नेट असेट्स वैल्यू, याद है तुम लोगों को कि भूल गए, याद है मुझको तुमने कहा था नहीं भूलेंगे तुम्हें, तेरी खातिर गम लिया, 2,90,000 माइनस 9,900, 2,80,100 माइनस कर देंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन डिडक्शंस, दैट्स 24A, 24B, अंडर सेक्शन 24A, स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये कितनी होगी सर, ये होगी 30% ऑफ एनएवी, दैट मीन्स 84030, अंडर सेक्शन 24B, इंटरेस्ट ऑन लोन, बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन की, प्री का है ये, टोटल होता है टोटल 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 प्री का कितना है सर, 1 लाख, 1 लाख डिवाइडेड बाय 5, 20,000 प्लस 25,000 पोस्ट का, 45,000, 45,000, हाँ जी चेक करो आंसर, माइनस, वन फाइव 1,070, हाँ जी 1,51,070, प्यार की खातिर गम लिया मैंने, हाँ जी बोलो बोलो, हाँ जी समझ आया, कुछ लगा कि हमने पिछली 2 क्लास में कुछ रीड आउट किया है और वो लगा कि हाँ वैल्यू एडिशन हुई है, हाँ जी मैं आपसे मुताफिक होऊंगा, मुखातिब मुताफिक मुखातिब होऊंगा, कब मैं आपसे मुखातिब होऊंगा, जल्द ही, कल हम मोस्ट प्रोबली लाइव आएंगे शाम को यूट्यूब पर 7 से 8, 7 से 8 या 6 से 7 जो भी टाइम होगा बता दिया जाएगा, टेलीग्राम पर, टेलीग्राम पर यू कैन ज्वाइन टेलीग्राम, चलिए जी कुछ कॉन्सेप्ट्स कर लिए जाएं या एक क्वेश्चन और बता दूं, चलो एक क्वेश्चन होमवर्क देता हूं, एक क्वेश्चन यहां पर होमवर्क, या बाद में करवा दूं सर, मर्जी आपकी, चलो बाद में करवाते हैं, गम लिया मैंने, चलो जी नोट्स पर आओ फटाफट, बुक निकाल लो, देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है और क्या क्या नहीं पढ़ा है, बुक में क्या क्या लिखा है, एक बार बुक से भी रीड आउट करना अति आवश्यक है, नेट असेट्स, नेट एनुअल वैल्यू, मैं कह रहा हूँ ना नेट असेट्स वैल्यू याद रहती है, हाँ जी एनएवी, जीएवी, जीएवी माइनस म्यूनसिपल टैक्सेस पेड एंड बोर्न बाय द ओनर, पेड बाय द ओनर, एनएवी कैन बी नेगेटिव इफ म्यूनसिपल टैक्सेस एक्चुअली पेड एक्सीड जीएवी, कोई कहता है एनएवी नेगेटिव नहीं आ सकती, क्यों नहीं आ सकती, एनएवी नेगेटिव आ सकती है अगर जीएवी से एक्सीड कर जाते हैं क्या मेरे म्यूनसिपल टैक्सेस, गॉट इट सर, उसके बाद हमने देखा डिडक्शंस, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 फ्रॉम एनएवी टू कैलकुलेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, 24A की बात करूं तो स्टैंडर्ड डिडक्शन है 30% ऑफ एनएवी शैल बी अलाउड फ्रॉम एनएवी,
फ्री, दिस इज ए फ्लैट डिडक्शन एंड अलाउड इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड। वो कह रहा है इररिस्पेक्टिव है, दैट मींस उसका कोई रिलेशन नहीं है, आपने कोई पैसा खर्चा, कम खर्चा, ज्यादा खर्चा, मैं आपको हर साल दूंगा। जैसे टाइम आपके लिए हर दिन 24 घंटे क्रेडिट होते हैं, आप यूज करो, मत यूज करो, मिस यूज करो, बेटर यूटिलाइज करो, वो आपकी चॉइस है, बट आपको हर दिन 24 घंटे मिलते हैं। हर दिन मुझे भी 24 घंटे मिलते हैं, आपको भी 24 घंटे मिलते हैं। वो डिपेंड्स कि आप उस 24 घंटे का कैसे बेस्ट यूटिलाइज करते हैं, फोन में रील्स चलाकर करते हैं, किताबें पढ़कर करते हैं, क्लास लेकर करते हैं, ग्राउंड में खेल कर करते हैं, कहीं बाहर आवारागर्दी में करते हैं, कैसे करते हैं, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। नो अदर एक्सपेंस शैल बी अलाउड, एग्जाम्पल रिपेयर, मेंटेनेंस, पार्किंग चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस, पेंट, लिफ्ट चार्जेस, कुछ भी आपने कराया। इफ एनएवी इज नेगेटिव देन नो स्टैंडर्ड डिडक्शन, ऑलरेडी टोल्ड यू, अगर एनएवी आपकी नेगेटिव है तो आपको कोई भी स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगी। ये मैं सारी चीज बता चुका हूँ, सिर्फ रीड करवा रहा हूँ, कल की क्लास में हमने ये सारा डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए सिर्फ मैं एक बार रीड आउट करवा रहा हूँ बुक से हमने क्या क्या देखा था। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, घर का नाम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, शॉर्ट फॉर्म याद रखना, सीख लो, एग्जाम में यूज नहीं करनी है। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी स्टैंडर्ड डिडक्शन निल, एज एनएवी इटसेल्फ इज नेगेटिव। क्यों करवाऊंगा, आज या कल की क्लास में पता चलेगा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में जीएवी मेरा क्या आएगा, निल, एनएवी भी फिर आएगा निल। क्यों सर, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में म्युनिसिपल टैक्सेस अलाउड नहीं होते। चलो जी, ये मैंने करवा दिया। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, देखते हैं आपको जो मैंने पढ़ाया है कल की क्लास में और आज की क्लास में वो ठीक है कि गलत है। करंट ईयर का इंटरेस्ट, दैट मींस पोस्ट कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा है, पोस्ट कंस्ट्रक्शन की बात करके चल रहे हैं। हाँ जी, डिडक्शन, डिडक्शन इंटरेस्ट कितना निकलेगा जी, अमाउंट ऑफ लोन मल्टीप्लाई बाय आरओआई का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम विदाउट एनी लिमिट। दैट मीन्स आपके इंटरेस्ट पर कोई लिमिट नहीं है अगर वो लेट आउट प्रॉपर्टी है या डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी है। फ्रॉम वेन, कब से कब तक, प्री कंस्ट्रक्ट पोस्ट कंस्ट्रक्शन का पीरियड है। इंटरेस्ट रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन कैन बी फुल्ली क्लेम्ड इन दैट प्रीवियस ईयर इररिस्पेक्टिव ऑफ द डेट ऑफ कंप्लीशन। क्यों, क्योंकि आपको पता है परी का जब मैं निकालता हूं, ये पोस्ट की बात कर रहे हैं, जब परी का निकालता हूं तो वो 31 मार्च तक ऑलरेडी कवर हो चुका होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपका वो घर कब कंप्लीट हुआ, सिर्फ इसी वजह से 31 मार्च ली गई है। तो वो कह रहा है जो भी जिस भी साल में वो कंप्लीट होगा, दैट डजंट मीन कि आधा मैं प्री में ले जाऊंगा आधा मैं पोस्ट में ले जाऊंगा, सीधा सीधा बात है जिस भी साल में कंप्लीट हो वो पूरा का पूरा पोस्ट की तरफ आएगा, पूरा का पूरा पोस्ट की तरफ आएगा। पर्पस क्या होगा जी, लोन किस लिए ले सकते हैं, एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिनोवेशन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। ये हिमाचल प्रदेश नहीं है, ये हाउस प्रॉपर्टी है, एचपी का मतलब। एक्रुअल और ड्यू बेसिस पर डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B, मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले, ध्यान दो, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B फॉर इंटरेस्ट अवेलेबल ऑन एक्रुअल बेसिस, दस इंटरेस्ट accrued बट नॉट पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कैन ऑल्सो बी क्लेम्ड एज डिडक्शन। बच्चे कंफ्यूज नहीं होना, इसी के बगल में लिख लो, ये खाली जगह है, यहीं पर लिख लो, म्युनिसिपल टैक्सेस अलाउड ओनली ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस। कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, यहां पर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहते हैं क्योंकि मैं आपके साथ हूं, मैं बायफर्केट करवाता रहता हूं, लेकिन बच्चा जब एग्जाम हॉल तक पहुंचता है उसको पता ही नहीं रहता म्युनिसिपल टैक्सेस एक्चुअली पेड थे कि इंटरेस्ट एक्चुअली पेड था। मैं आपको बता दूं, वो एक्चुअली पेड माना जाएगा जो गवर्नमेंट का पैसा है, टैक्सेस है वो, इंटरेस्ट टैक्सेस नहीं है। बैंक आज न कल आपसे पैसा ले ही लेगा, कुर्की करवा लेगा, कुर्की दैट मींस आपकी घर संपत्ति सब कुछ नीलाम कर दी जाएगी, बैंक पैसा नहीं छोड़ेगा। सरकार का भले ही आप पैसा मार जाओ लेकिन बैंक पैसा नहीं छोड़ता है आसानी से। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कौन सा होता है जी, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की बात कर रहे हैं तो आप शुरू करेंगे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, प्री कमेंसमेंट इंटरेस्ट इज अलाउड एज डिडक्शन इन, मैंने कितने साल बताए थे जी, 5 साल, 5 सक्सेसिव प्रीवियस ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रीवियस ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। ऐसा क्यों बोला, क्योंकि डिडक्शन आपको कब मिलेगी, जब कोई इनकम हाथ में होगी तभी तो डिडक्शन मिलेगी। जब इनकम कब होगी हाथ में, जब वो रेंट पर चढ़ेगा, रेंट पर कब चढ़ेगा, जब वो घर कंप्लीट होगा, कंप्लीट कब माना जाएगा, जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, ठीक है जी। 1/5 ऑफ टोटल इंटरेस्ट मीनिंग प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड मीन्स पीरियड ड्यूरिंग विच लोन वॉज टेकन बट कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी वॉज या कुड नॉट बी स्टार्टेड।
प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कितना होता है जी? देखो जी बच्चे देखो, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कितना होता है? स्टार्ट कब से होगा? फ्रॉम द डेट ऑफ बोरोइंग, जिस भी दिन से आपने पैसा लिया वहीं से शुरू हो जाएगा। एंड कब होगा? ये होगा 31 मार्च इमीडिएटली प्रायर टू द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो भी 31 मार्च होगी, जिस भी साल में आपको कंप्लीट हुआ उससे पहले की 31 मार्च, और डेट ऑफ पेमेंट ऑफ लोन विच एवर इज अर्लियर। क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है ये किसकी बात कर रहा है? डेट ऑफ पेमेंट ऑफ लोन विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर का मतलब है इसमें और इसमें, दोनों में जो भी जल्दी होगा। सर ये वो पहले वाला केस बता रहा है जब हाउस प्रॉपर्टी का लोन पहले पेमेंट हो जाता, कंस्ट्रक्शन बाद में होती, जो मैंने कहा था कम चांसेस, ये उसी की बात कर रहा है। इंटरेस्ट विल बी एग्रीगेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ बोरिंग टिल द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर प्रायर टू द प्रीवियस ईयर इन विच हाउस वॉज कम्प्लीटेड, नॉट टिल द डेट ऑफ कंप्लीशन कंस्ट्रक्शन। उसी बात को दोबारा लिखा गया, समझाया गया। कंप्यूटेशन ऑफ प्रायर पीरियड इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? आइडेंटिफाई द डेट ऑफ बोरोइंग ऑफ लोन, आइडेंटिफाई द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ एक्विजिशन, आइडेंटिफाई लास्ट डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, दैट मीन्स 31 मार्च की बात कर रहा है ये 31 मार्च की बात कर रहा है। इमीडिएटली प्रिसीडिंग द डेट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, जिस साल में कंप्लीट हो उससे जस्ट पहले वाला, लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर, दैट मीन्स लास्ट डे इज इक्वल टू 31 मार्च, किससे पहले? जिस साल में कंप्लीट हुआ। प्रायर पीरियड, पीरियड कैलकुलेटेड फ्रॉम स्टेप 1 टू स्टेप 3, यहां से लेके यहां तक का पीरियड। प्रायर पीरियड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? प्रायर पीरियड स्टेप 4, टाइम पीरियड आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट ROI, अमाउंट ऑफ लोन, सबको मल्टीप्लाई करवा दो। अलाउबल कितना होगा? जितना भी प्रायर पीरियड का निकलेगा स्टेप 5 में, इसमें उसको डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स कर देंगे, 5 साल से उसको डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। चलो पॉइंट्स टू बी रिमेंबर में हमने क्या क्या देखा है, मैं सिर्फ एक बार रीड आउट करवा रहा हूँ बुक से, प्लेन रीडिंग, ये मैं कल ऑलरेडी समझा चुका हूँ आराम से आपको। लोन में बी टेकन फॉर परचेजिंग द लैंड इवन इफ कंस्ट्रक्शन इज डन आउट ऑफ ओन फंड, वो कह रहा है जी आपने बेशक लैंड के लिए लिया वो भी अलाउड है, कंस्ट्रक्शन आप अपनी जेब से करवा दो। इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट, दैट मीन्स पेनल इंटरेस्ट, नॉट डिडक्टेबल। इंटरेस्ट ऑन फ्रेश लोन टेकन टू रिपे ओरिजिनल लोन, जो मैंने बताया था फ्लोटिंग वाला और फिक्स वाला, डिडक्शन अलाउड हो जाएगी। अमाउंट पेड एज ब्रोकरेज कमीशन प्रोसेसिंग फीस फॉर अरेंजमेंट ऑफ लोन, नॉट अलाउड डिडक्शन। इफ लोन इज टेकन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, इंटरेस्ट इज डिडक्टेबल इफ TDS डिडक्टेड एन एजेंट इन इंडिया। वेर ए बायर एंटर इन टू एन अरेंजमेंट विद ए सेलर टू पे सेल प्राइस इन इंस्टॉलमेंट, कई बार क्या होता है कि मान लो मैंने किसी से घर खरीदा है तो मेरे पास एक साथ पैसे नहीं है, मैं कह रहा हूँ यार चल बैंक से मैं कहाँ लोन लूंगा, मैं तेरे को मोटा मोटी 4 किस्तों में पैसे दे दूंगा। वो बोला ठीक है मुझे इंटरेस्ट भी देना, मुझे इंटरेस्ट भी देना साथ में, तो क्या वो अलाउड हो जाएगा? हाँ जी, इंटरेस्ट पेड कैन बी अलाउड एज डिडक्शन। आपने बैंक को इंटरेस्ट पे नहीं किया, आपने उस जो सेलर है उसी को एक्चुअल में पे किया। तो लोन मे बी टेकन फ्रॉम बैंक, FI मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फ्रेंड फैमिली एक्सेट्रा, ये वाली इंपॉर्टेंट लाइन है, आप ये लोन कहीं से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए जी यहां तक कंप्लीट हुआ? हाँ सर कंप्लीट, हाँ सर कंप्लीट, हाँ सर कंप्लीट कंप्लीट, चलिए जी ये भी कंप्लीट हो। हाँ जी बोलिए, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो अब होमवर्क में, होमवर्क लिखो छोटा सा क्वेश्चन, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। केस ए बी सी, ठीक है जी लिखो। लोन है आपका, मैं हिंट दे दूंगा इस क्वेश्चन की, चिंता मत करना, हिंट मैं यहीं पर दे दूंगा। लोन है आपका 25 लाख, इंटरेस्ट रेट है या फिर कहूं ROI है 10%, 10%, 10%, डेट ऑफ बोरोइंग है
30th नवंबर 2015, 30th सितंबर 2015, 1st of August 2012। डेट ऑफ कंप्लीशन है आपका 31st दिसंबर, हाँ 31st दिसंबर 2015 से लेके कब तक कंप्लीट हुआ होगा, 31st अक्टूबर 23, और इसमें कर देते हैं 31st जुलाई, एटीन नहीं, इसको करो 16। और डेट ऑफ रीपेमेंट थर्टी फर्स्ट दिसंबर 2024, थर्टी फर्स्ट जुलाई, ट्वेंटी टू, 31st अक्टूबर, हाँ जी देखो देखो जी फटाफट देखो एक बार, क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, होमवर्क है आपके लिए, आप घर पर भी कुछ करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे? सर करना चाहेंगे तो करो, किसने मना किया? फटाफट पहले उतारो, एक दो मिनट का समय है आपके लिए, फिर उसके बाद बताता हूँ व्हाट इज द मेन पॉइंट इन दिस क्वेश्चन। अगर किसी बच्चे को लग गया है कि हाँ ये इसमें मेन पॉइंट है तो वो पहले से ही लिखो नोट करके, पहले से ही लिख लो नोट करके। तेरा मेरा जल्दी से उतारो, होप सो उतार लिया होगा आपने अभी तक, एक मिनट और है आपके पास, फटाफट 1 मिनट लेफ्ट। चलिए जी, सबसे पहली बात बी वाला केस देखो, ए वाला केस में कोई दिक्कत नहीं है, ए वाले केस में कोई दिक्कत नहीं है, बी वाले में थोड़ा सा पॉइंट है और सी वाले में थोड़ा सा पॉइंट है। चलो जी, तो सर पॉइंट क्या है? सबसे पहली बात तो ये कि इस वाले केस में डेट ऑफ रीपेमेंट कब हो चुकी है। सर हमारे लिए जो प्रीवियस ईयर एप्लीकेबल है वो 23-24 है और उसकी रीपेमेंट 31st जुलाई 2022 को ही हो चुकी है। दैट मीन्स आपके लिए इस साल में क्या रहेगा, इस साल में क्या रहेगा, ओनली प्री का टाइम रहेगा? हाँ जी, क्या पोस्ट का पीरियड रहेगा बी वाले केस में? बी वाले केस में क्या पोस्ट रहेगा? नहीं सर। सी वाले केस में देखो एक बार, सी वाले केस में देखो क्या प्री रहेगा, क्या प्री रहेगा सी वाले केस में?
सर ओनली पोस्ट, क्यों? डेट ऑफ कंप्लीशन कब है सर? 2016 में, दैट मींस 2016 के बाद क्या 5 साल यहां तक कंप्लीट हो चुके होंगे 16 को मिला के? इसमें प्री का पीरियड कौन सा रहेगा सर? 1st ऑफ अगस्त 2012 से लेकर 31st मार्च 2016 तक, तो 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 21 में ही जो प्री का था 5 साल तक क्लेम करने का वो खत्म हो चुका है। मैं बोल रहा था आगे चलकर आपको सिर्फ पोस्ट का लेना है, पहले 5 साल जब भी कंप्लीट हुआ वहां से 5 साल तक आप प्री पोस्ट दोनों लेंगे, लेकिन जब भी 5 साल खत्म हुए 6th ईयर से ओनली पोस्ट चालू हो जाएगा। तो इस वाले केस में हम 7वें 8वें के साल में होंगे, 7th 8th ईयर में कोई एक साल होगा, तो सिर्फ पोस्ट वाला होगा। यहां पर सिर्फ प्री है, सिर्फ प्री, क्यों? क्योंकि मेरा घर ही कंप्लीट कब हो चुका है, लेकिन आपकी रीपेमेंट उससे पहले हो गई। दैट मींस ये वो वाला केस है जो कम आते हैं, रीपेमेंट बिफोर कंप्लीशन, रीपेमेंट बिफोर कंप्लीशन, ये रीपेमेंट है, डेट ऑफ रीपेमेंट, डेट ऑफ कंप्लीशन। तो कंप्लीशन हुआ अक्टूबर 2023 में, जबकि आप रीपेमेंट कर चुके हैं जुलाई 2022 में। यस और नो, ये आपके लिए होमवर्क है। बस यही एक छोटी सी ट्रिक थी इसमें, यही एक छोटी सी ट्रिक थी इसमें। चने 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 चले चल सकते हैं आगे। आज मेरे को आपको और आगे लेकर चलना है इस चैप्टर में। कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए कि नहीं हुए बच्चे? कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए कि नहीं हुए? मेरा जो मेन मकसद है मेरा यही है कि मैं प्रैक्टिस भी करवाऊं आपके और कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करवाऊं, ताकि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना आए। आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखी है, कॉन्सेप्ट समझ रखे, तो वो कहीं से भी कुछ भी पूछ ले कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए अब हम जो बात करेंगे वो बहुत छोटी छोटी मगर मोटी बातें करेंगे, छोटी छोटी मगर मोटी बातें करेंगे, ठीक है सर? जो मेजर पोर्शन था, एक जो पार्ट था वो हाउस प्रॉपर्टी का खत्म हो चुका है। जो अभी डिस्कस करने वाले हैं वो सेकंड मेजर पार्ट है, इसके बाद खत्म, ये चैप्टर खत्म, अपना दम तोड़ देगा। जो अभी डिस्कशन शुरू करूंगा उसके बाद ये चैप्टर अपना दम तोड़ देगा। और ये वाला चैप्टर मैंने बताया था, इस चैप्टर में बच्चा दो ही जगह अटकता है, प्री पोस्ट में। आपको डिटेलिंग में समझा दिया, डिटेलिंग में एग्जाम्पल्स करवा दिए, सारी चीजें, होमवर्क आप यहां से शुरू करना शुरू कर सकते हैं। नाउ मैं कह रहा हूं आप क्वेश्चंस शुरू करना सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं हाउस प्रॉपर्टी में। सबको क्वेश्चन बैंक गया हुआ है, सबके पास क्वेश्चन बैंक गया हुआ है ऑलरेडी, ये सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं सॉल्व, सारे हाउस प्रॉपर्टी के क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन सबके नीचे लिखा भी हुआ है कौन सा एग्जाम में क्या आया था। आईसीआई का एग्जाम्पल है, मई 2009 में भी आपसे पूछा गया ये वाला क्वेश्चन, ठीक है? आईसीआई मॉड्यूल का क्वेश्चन है भैया, हम कुछ नहीं छुपाते, हम तो सब कुछ बताकर चलते हैं, ठीक है? ठीक है जी, आओ फटाफट एक नए कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं। ब्रेक लोगे? आज क्लास लंबी रखते हैं सर, ब्रेक हम अपने आप ले लेते हैं वीडियो पॉज करके, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आओ जी, टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, दैट मीन्स हाउस प्रॉपर्टी कितने तरह की होती है सर? ऐसा क्यों पूछा गया है? देखिए ऐसा इसलिए पूछा गया है ताकि आप लोगों को पता रहे कि कितने प्रकार की हाउस प्रॉपर्टी है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, और हाउस प्रॉपर्टी की, हर हाउस प्रॉपर्टी की जीएवी की कैलकुलेशन अलग अलग होती है। दैट मीन्स ये जो कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाऊंगा, ये जो कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाऊंगा, टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, ये टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी का मेन पर्पज क्या है पढ़ाने का, कैलकुलेशन ऑफ, अरे इतनी गंदी राइटिंग सर कैसे लिख लेते हो, कैलकुलेशन ऑफ, सर अभी भी गंदी है, कैलकुलेशन ऑफ जीएवी। आपको बस जीएवी की पर्पज से ये पता होना चाहिए कि कौन सी हाउस प्रॉपर्टी या जीएवी अलग निकलेगा, बाकी का ट्रीटमेंट तो वही रहेगा, बाकी का ट्रीटमेंट तो वही रहेगा, जीएवी आपको जरूर पता होनी चाहिए किस केस में कैसे कैसे निकलती है। एक एक करके हम लोग डिस्कशन करेंगे, एक दो तीन
चार पांच छह, मोटा मोटी पांच से छह केसेस हैं ये रहे आपके। बुक्स में देख ले, बुक्स में देख ले एक बार। हाँ जी आ जाओ, छह केसेस, पांच छह, हाँ छह केसेस हैं आपके। ये रहा ये वाला टॉपिक, कंप्यूटेशन ऑफ जीएवी फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टीज। मैंने क्या बोला था, कंप्यूटेशन ऑफ जीएवी फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टीज। भैया अलग अलग तरह की घर हैं, अलग अलग तरह की हाउस प्रॉपर्टीज हैं, अलग अलग तरह की प्रमाइसेस हैं, तो उनके लिए अलग अलग तरीके से जीएवी निकलेगा। बात समझ पा रहे होंगे? हाँ सर बात बिल्कुल समझ पा रहे हैं। चलो जी आ जाओ फटाफट, फिर एक एक करके सॉल्व करना शुरू करते हैं, एक एक करके उठाएंगे, यहां पर आएंगे, रीड करेंगे और छोड़ देंगे, फिर आप अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मेन फॉर्मेटिंग, मेन जो है वो काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट आपको करना क्या है, आपको सिर्फ ये करना है कि जीएवी अलग अलग केसेस में कैसे निकलेगी, क्योंकि मैंने बताया जीएवी गलत तो पूरा क्वेश्चन गलत। आप लास्ट तक पहुंचोगे ही कैसे जब जीएवी गलत हो गया, फर्स्ट पॉइंट गलत आंसर गलत, तो फर्स्ट पॉइंट पर मेन फोकस कर चलना है। आओ जी सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी की। सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी की। व्हाट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी एंड आपको कितना अलाउड है? सर अगर मैं बात करूं, सबसे पहली बात तो ये, जो तू टिकटॉक टिकटॉक चलती है, माना सारी तेरी हाई हील्स की गलती है। सेल्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी कितनी अलाउड है? दो घर आप रख सकते हैं, दो घर आप रख सकते हैं, आप मैक्सिमम दो हाउस प्रॉपर्टी आप रख सकते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड घर। कहानी कुछ इस प्रकार है, कहानी कुछ इस प्रकार है, ध्यान देना मैं कह रहा हूं, फिर बच्चा यहीं पर कंफ्यूज होता है, फिर सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके बाद इस चैप्टर में कुछ नहीं है, खत्म है ये चैप्टर। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी होता क्या है? दैट मीन्स पॉपुलरली नोन एज एसओपी। मैंने अभी कुछ देर पहले बताया सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब मैं खुद उस घर में रहता हूं, मैं खुद उस घर में रहता हूं। अब एक बात समझना, जब आप खुद उस घर में रहते हैं तो सरकार क्या आपसे चाहेगी कि आप हमें रेंट दो? आप क्या बोलोगे, भैया मैं तो खुद रहता हूं, मैं किस बात का आपको रेंटल इनकम पर टैक्स दूं? हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है ही नहीं, आप जिस घर में रहते हो क्या आप उसका रेंटल इनकम पर उस सरकार को टैक्स देते हो? नो, आप कभी टैक्स नहीं देते, आप कहते हो यार मैं तो खुद रहता हूं इसमें, मैं किस बात का टैक्स दूं? हाँ अगर मैं किसी और को किराए पर चढ़ाऊं, दैट मीन्स लेट आउट करूं, रेंट पर दूं, और वहां से कुछ मुझे आए तो मैं आपको दूं। सरकार हमेशा बिना बात के पार्टनरशिप होती है जो आम नागरिक है उनके साथ, पार्टनरशिप डीड भी नहीं होती, फिर भी 30% 20% 10% जितना चाहे वो ले जाती है टैक्स के रूप में हर साल। मेहनत कौन करेगा? व्यापारी करेगा। कौन मेहनत करेगा? सैलरीड क्लास करेगा। कौन मेहनत करेगा? हाउस प्रॉपर्टी कैपिटल गेन वाले। सरकार आएगी एक दिन चुपचाप और 31 जुलाई इंडिविजुअल के केस में वहां पर आकर बोलेगी चुपचाप हमें इतना परसेंट दे दो, पार्टनरशिप थी हमारी आपके साथ। वो बोलेगा कौन सी पार्टनरशिप, कह रहे आप इस देश में रहते हो, यू हैव टू पे टैक्स। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, तो सेल्फ जहां आप रहते हो वहां का आप किराया नहीं दोगे? हाँ सर नहीं देंगे। लेकिन सर दो हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? दो हाउस प्रॉपर्टी का मतलब ये, सरकार को लगा एक दिन, पहले एक होता था फिर दो हो गए, क्यों? सरकार को लगा एक दिन यार मॉडर्नाइजेशन ज्यादा आती जा रही है, पहले का जमाना अलग था अब का जमाना अलग है। जैसे मैं ये बहुत एग्जांपल देता हूं, मैं ना मेरे को बड़ा मतलब 2014-15 की बात है, उस टाइम पे हम क्लास लेते थे SFM, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आपका FM समझ लो एक तरह से। तो हम दिल्ली में जाते थे कश्मीर गेट पर क्लास लेने, तो हमारे एक दोस्त मित्र होती थी उस टाइम पर, तो वो हमारे ऑफिस में थी, तो मैंने एक दिन उससे पूछा, ऐसे ही बात चल रही थी तो कुछ शादी को लेकर बात चली, तो उस लड़की ने मुझे ना एक बड़ा सही सा जवाब दिया, यार मतलब हमारी शादी की बात नहीं चल रही थी, वैसे ही कोई शादी की बात चल रही थी, दोस्तों में चलती रहती। तो उसने कहा कि जय मेरी प्रेफरेंस क्या है ना कि मैं वहां शादी करूंगी जहां पर
जहां पर वो मतलब उसके होने वाले हस्बैंड वो अकेले रहते हो, दैट मीन्स उसको जॉइंट फैमिली में रहना पसंद नहीं था, न्यूक्लियर फैमिली चाहिए थी उसको, वन थॉट। अब आज के मॉडर्नाइजेशन जमाने की भी बात कर ले तो वो भी आज का ही जमाना था, आज से 5-10-20 साल पहले की बात है। तो वो बात उसने कही, वो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं अटक गई है यार, कितनी मॉडर्नाइजेशन सोच है उनका। किसी के घर में आप जाओगे, वो फैमिली रहती है पूरी, अगर आपके अकॉर्डिंग चीजें मिली तो ठीक, वरना फिर क्या, घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। हालांकि ठीक है, आपकी पसंद है भैया, उस पर आप कोई उंगली नहीं उठा सकते। अब मुझे ब्लैक कलर पसंद है तो वो मेरी चॉइस है, अब किसी को हो सकता है ब्लैक कलर ना पसंद, तो वो भी उसकी चॉइस थी, इट्स हर चॉइस, हम क्या कर सकते हैं। बट मेरे प्रोस्पेक्टिव से उसका ये डिसीजन गलत था, क्यों, क्योंकि आप किसी के नए घर में जा रहे हो और आप चाहते हो कि फैमिली ना रहे, या तो आपके अकॉर्डिंग बात चलेगी, नहीं चलोगी तो आप मनवाओगे कैसे ना कैसे करके, वो घर अलग हो जाते हैं, वो एक अलग मैटर है। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, सरकार को भी ये बात पता चल गई, पता नहीं सरकार उस दिन कहां से सुन रही थी हमारी बातें, सरकार ने सोचा यार ये तो चीजें हो रही है ये चीजें, तो उन्होंने कहा चल मान लेते हैं कि एक घर में तुम मतलब हस्बैंड वाइफ बच्चे रहते होंगे, दूसरे घर में तुम्हारी फैमिली चाचा ताऊ माँ बाप कोई भी रहता होगा, जो भी तुम्हारा गार्जियन वगैरह है वो रहते होंगे, तो हम तुम्हें मैक्सिमम 2 घर मान लेते हैं कि तुम्हारे सेल्फ ऑक्यूपाइड होंगे, हफ्ते में 2-4 दिन तुम अपने घर रहते होगे, 2-4 दिन अपने पेरेंट्स के घर चले जाते होगे, दैट मीन्स अलग अलग घर, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। 2 हाउस प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट समझ में आया, चलो 2 मान लेते हैं, कहीं जॉब भी करते होगे, कहीं और रहते होगे, कुछ भी लगा लो, हम मान लेते कि तुम 2 घर में रहते हो। अब मान लेते हैं 2 घर में रहते हो, जब तुम 2 घर में रहते हो तो वहां से कुछ किराया तो आना नहीं है, किराया आएगा नील बटे सन्नाटा, दैट मींस सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के केस में जीएवी क्या होगी, नील, को दिक्कत, जीएवी क्या होगी मेरी, नील, चाहे इंडिया में हो चाहे आउटसाइड इंडिया हो, चाहे आप इंडिया में हो चाहे आप आउटसाइड इंडिया हो, 2 घर माने जाएंगे, जीएबी क्या होगी, निल। क्या आपको म्युनिसिपल टैक्सेस अलाउड कर दिए जाएं, क्या आपको म्युनिसिपल टैक्सेस अलाउड कर दिए जाएं, नो, हाँ जी म्युनिसिपल टैक्स आपको अलाउड नहीं किए जाएंगे, कोई अदर बेनिफिट इस घर से कुछ नहीं मिलेगा, सिंपल, आप उस घर में रहते हो, नो अदर बेनिफिट। लेकिन एक इसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल दिया सरकार ने, सरकार ने बोला हम आपको सिर्फ यहां से, अब मुझे बताओ जीएवी निल, हाँ सर, म्युनिसिपल टैक्स आपको नहीं मिलेगा, 0, एनएवी 0, स्टैंडर्ड डिडक्शन 0, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है हम आपको एक काम करते हैं, हम आपको इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड कर देते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन आपको अलाउड कर देते हैं। ऐसा क्यों किया इन्होंने, कोई बता सकता है ऐसा क्यों किया, क्यों, क्योंकि ताकि इंडिया में ज्यादा से ज्यादा लोग लोन ले। अब बात समझना, जितना ज्यादा आप लोन लोगे उतना जो बेघर की समस्या है, दैट मींस आप एक घर में रहते हो, बात समझना कैसे ये प्रोसेस चलती है, आप एक घर में रहते हो ठीक है, आप पुश्तैनी घर है आपका, कुछ सालों बाद वो पुराना भी होगा, 50-70-80-100 साल बाद, आप पहले गांव में रहते थे छोटे शहर में रहते थे, अब आप शिफ्ट हो जाओगे बड़े शहरों में महानगरों में, हाँ सर बिग सिटीज में, पुराने वाले घर का क्या होगा, आप ऑब्वियसली रेंट पर दोगे, दैट मींस जहां पर आप रहते थे आपसे नीचे भी कोई रहता होगा, अब उसको वो घर मिल गया, आपको और अच्छी कंडीशन के साथ नया घर मिल गया, फ्लैट मिल गया, तो वो सरकार ये चाहती है आप लोन लो ताकि घर ज्यादा से ज्यादा बने इंडिया में, ज्यादा से ज्यादा घरों की जो समस्या है, जो बेघर लोग हैं वो घरों में आए, आप हो सकता है उसको कम किराए पर दो, महंगे पर दो, जो वो आपकी चॉइस है। दूसरा केस, जितना आप ज्यादा लोन लोगे उतना मनी सर्कुलेट होगी, बैंकिंग बिजनेस बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, इसलिए सरकार ने कहा ठीक है हम आपको एक बेनिफिट दे रहे हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी से आपका इंटरेस्ट अलाउ कर देते हैं, ताकि आप लो पैसा घर बनाओ, बैंकिंग रेगुलेशन चलती रहे, आपको भी घर मिले, घर की जो प्रधानमंत्री आवास योजना है इनको और थोड़ी सी इनके ऊपर दबाव कमाए, 2-3 बेनिफिट्स हो गए। तो इन्होंने बोला इंटरेस्ट हम आपको अलाउड कर देते हैं। देखो फटाफट डाइजेस्ट करो जो जो अभी बताया, माइंड में दोबारा एक बार कैपिंग करो, माइंड में रिकैप करो फटाफट।
बारिश हो रही है दिल्ली में 2-3 दिन से, आज भी बारिश हो रही है। चल सकते हैं? हाँ सर चल सकते हैं। चलिए जी बुक पर आओ। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी जीएवी निल फॉर एनी टू हाउसेस ओनली फॉर इंडिविजुअल एचयूएफ, नो डिडक्शन ऑफ म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द ओनर। वो कह रहे हैं हम म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? अरे तुम हमें कुछ रेंटल इनकम थोड़ी दिखा रहे हो जो मुझे टैक्स मिलेगा। मैं तुम्हें क्यों बेनिफिट दूं म्युनिसिपल टैक्स का? खर्चे कब अलाउड होंगे? खर्चे तब अलाउड होंगे ना जब कुछ बेनिफिट मिलेगा हमें भी। पीजीबीपी में आप खर्चे कब डालते हो? जब सेल दिखाते हो। सेल ही नहीं है यार तुम्हारी, तुम टैक्स तो हमें दोगे नहीं, लेकिन हम तुम्हें अपनी तरफ से एक रियायत दे देंगे। प्रॉपर्टी इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, हम अपनी तरफ से एक रियायत दे देंगे। हम आपको डिडक्शन अलाउ कर देंगे किसकी? इंटरेस्ट की। हम आपको डिडक्शन अलाउ कर देंगे इंटरेस्ट की। तो आपको नहीं लगता यहां पर हमेशा लॉस आएगा? हाँ जी लॉस आएगा, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। करेक्ट करेक्ट सर। चलो जी देखो, अब इन्होंने एक कंडीशन और लगा दी। सर क्या लगा दी इन्होंने? डिडक्शन पर लिमिट लगा दी। उन्होंने कहा हम आपको इंटरेस्ट की डिडक्शन तो देंगे बट अनलिमिटेड नहीं देंगे, हम उस पर लिमिट लगा देंगे। सिर्फ किसके लिए? सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के लिए। लेट आउट प्रॉपर्टी है, आपने किराए पर चढ़ा रखा है, आप हमें टैक्स देते हो, आप जितना चाहे उतना इंटरेस्ट क्लेम करो। लेकिन अगर आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है, उस केस में हम आपको लिमिटेड इंटरेस्ट की डिडक्शन देंगे अंडर सेक्शन 24B में। कितनी देंगे? लिमिट ऑन डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। बात समझना, लिमिट लगा दी उसने। कितनी लिमिट लगाई देखते हैं। लिमिट लगाई इसने, चलो छोड़ो इसको, यहां से पढ़ाना ठीक नहीं, मैं ही बताता हूँ। इन्होंने बोला हम आपको दो तरीके से लिमिट लगाएंगे। कैसे कैसे लिमिट लगाएंगे जी? हम आपको बोलेंगे आप मैक्सिमम 2 लाख तक, मैक्सिमम 2 लाख तक की इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हो। 2 लाख किसके लिए? उसमें कंडीशन रखी, 3 कंडीशन है। आप 2 लाख की लिमिट क्लेम कर सकते हो अप टू 2 लाख फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, बट यू हैव टू फॉलो 3 कंडीशंस। नंबर वन, आपने जो भी लोन लिया हो वो रिपेयर मेंटेनेंस के लिए ना लिया हो, घर खरीदने के लिए या कंस्ट्रक्शन के लिए लिया हो, एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन के लिए लिया हो, जो भी आपने लोन लिया हो वो 1/4/1999 के बाद लिया हो, ऑन और आफ्टर 1999 के बाद लिया हो, और जब भी आपने लोन लिया और आपने घर बनाना घर खरीदना शुरू किया वो 5 साल के अंदर अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट हो जानी चाहिए, तो ही आपको 2 लाख की लिमिट मिलेगी। अगर एक भी फॉलो नहीं हुई, बीच में लगा है एंड, बीच में क्या लगा है एंड, अगर एक भी फॉलो नहीं हुई तो आपको क्या मिलेगा? फिर हम आपको कितना देंगे? हम आपको अलाउड करेंगे 30,000, हम आपको अलाउ करेंगे 30,000। या फिर अगर आपने कराया रिपेयर एंड मेंटेनेंस तो भी आपको कितना मिलेगा? 30,000 फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। बच्चा कंफ्यूज रहता है, अरे सर कहीं बोलते हो 2 लाख की लिमिट है, कहीं बोलते हो 30,000 की लिमिट है, कहीं बोलते हो अनलिमिटेड है, सर कंफ्यूज, टोटली कंफ्यूज। नहीं, कंफ्यूज नहीं होने का, सिंपल। कितनी लिमिट है सर? 2 लाख की। 2 लाख की किस केस में? 3 कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन के लिए, एक्विजिशन के लिए लोन लिया हो, 5 साल के अंदर अंदर कंप्लीट हो गई हो प्रोसेस, एंड 1/4/1999 या उसके बाद आपने वो लोन लिया, अदरवाइज 30,000 फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। आ जाओ जी, लोन इज टेकन फॉर, किस लिए आपने लोन लिया है? आपने लोन लिया है रिपेयर या रिनोवेशन के लिए हाउस प्रॉपर्टी, ऑन और आफ्टर, तो आपको एक्चुअल इंटरेस्ट पेबल लेकिन मैक्सिमम कितना मिलेगा? 30,000 तक ही मिलेगा। अगर आपने लोन लिया है एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ऑन और आफ्टर 1/4/1999 एंड सच एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड विद इन 5 ईयर, 5 साल के अंदर अंदर फ्रॉम द एंड, देखना जी, फ्रॉम
फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच कैपिटल वॉज बोरोड, जिस भी साल में आपने खरीदा उस दिन से, पांच साल मत ले लेना जिस दिन से आपने लोन लिया, उस दिन से लेना जब आपका वो साल खत्म हो गया जिस साल में भी आपने लोन लिया था। मान लो आपने 1st of August को लोन लिया था 2021 में, तो 1st अगस्त 2021 का साल कब खत्म होता है सर? 31st मार्च 2022। तो 31st मार्च 2022 से पांच साल काउंट करना, तो जो आपका एक्चुअल इंटरेस्ट पेबल बट मैक्सिमम आपको 2 लाख तक की ही छूट मिल पाएगी। अबव मेंशन लिमिट आर एप्लीकेबल कंबाइंडली फॉर टू सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, नॉट फॉर ईच सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। बच्चे का डाउट है या फिर एग्जाम में भी वो कई बार कंफ्यूज कर देता है, क्या बोलता है? फॉर टेक एन एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन, इस केस में समझना इस बात, अमिताभ बच्चन के 2 घर है। मैं मुंबई गया एक बार, उसका एक घर है जलसा, जलसा ऐसे रोड जाती है, वो रोड सीधा समुंदर में जाती है, दैट मीन्स मुड़ जाती है लेकिन आगे समुंदर है 200-300 मीटर आगे, तो जस्ट उसका समुंदर से पहले 500 मीटर पहले उसका घर है इनका, अमिताभ बच्चन जी का। तो उनके 2 घर, एक जलसा इधर, अगर ऐसे रोड जा रही है तो उनका राइट हैंड साइड में जलसा पड़ता है, जलसा जैसे ही पड़ता है उसके अपोजिट साइड में भी उनका दूसरा घर है, दैट मीन्स 2 घर है उनके। अब ये 2 घर हैं, 2 घर उनको अलाउ कर रखे होंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी में, उनका सीए भी उनको यही एडवाइस देता होगा, आपको भी आपके बड़े बड़े क्लाइंट्स बनाने उनको भी इसी में एडवाइस देनी है, चाहे मुकेश अंबानी आपका क्लाइंट हो, चाहे सचिन तेंदुलकर आपका क्लाइंट हो, चाहे विराट कोहली आपका क्लाइंट हो, चाहे अरिजीत सिंह आपका क्लाइंट हो, चाहे कोई नेता आपका क्लाइंट हो, कोई भी हो, आपको ऐसे ही सलाह देनी है उनको कि 2 घर बनाओ, 2 घर तक मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड हो जाएगी। तो अब अगर अमिताभ बच्चन कहे 2 लाख तो लूंगा मैं जलसा के लिए लिमिट और 2 लाख लूंगा जो रोड के उस पार है, मतलब तो टोटल 4 लाख की लिमिट लूंगा, नहीं, उन्होंने कहा 2 लाख कंबाइंडली फॉर टू सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टीज के लिए, नॉट फॉर ईच। आप 2 लाख जलसा के लिए, 2 लाख सामने वाले घर के लिए क्लेम नहीं कर सकते, यू हैव टू फॉलो कंडीशंस, दैट मींस 2 लाख इन टोटल फॉर टू हाउस प्रॉपर्टीज। No such limit is applicable in case of a let out property or deemed let out property. ये 2,30,000 की limit जो है वो deemed let out property या let out property पर applicable नहीं है। First complete. Sir, अगर by chance मान लो, sir मेरा doubt है, हाँ बोलो ना। Sir अगर by chance मान लो उसने कुछ नहीं बोला exam में उसने कुछ नहीं बोला, तो मैं क्या मान के चलूँ? मान के चलना कंडीशन सेटिस्फाइड है, एज्यूम कर लेना कंडीशन सेटिस्फाइड है। अगर वो कंडीशन की नहीं बताता, डीम लेट आउट प्रॉपर्टी बोल देता है, कंडीशन के लिए कुछ नहीं बोलता, साइलेंट रहता है, तो मान के चलना ये कंडीशन सेटिस्फाइड है ऑलरेडी। ठीक है, ठीक है सर, कोई दिक्कत हुई, कोई परेशानी हुई तो बताओ मुझे। First is complete, self-occupied types of house property. First is complete, self-occupied house property. कोई दिक्कत? No sir. चलो जी. The second one is property let out whole year. कुछ भी नहीं है. Simple जो अभी तक पढ़ रहे थे वही है. वही है. Property let out whole year. जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया. सर आपने क्या पढ़ाया? मैंने आपको ये पढ़ाया था. जो अभी हम question answer कर रहे थे. ये वाले जो क्वेश्चन आंसर हम कर रहे थे, यही वाला केस है, सिंपल प्रॉपर्टी लेट आउट होल ऑफ द ईयर। क्या करना है? कुछ नहीं करना। जीएवी क्या निकलेगी? अभी तक मैंने आप लोगों ने क्या पढ़ा है सर? जीएवी निकलेगी हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, नो क्वेश्चन ऑफ वैकेंसी सिंस प्रॉपर्टी वॉज ऑक्यूपाइड फॉर होल ईयर। कुछ भी नहीं करना। इसको क्या बोलते हैं पॉपुलरली नोन एज? सर ये तो था सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, ये था लेट आउट प्रॉपर्टी। कोई दिक्कत परेशानी? सिंपल सी केस, अनलिमिटेड मिलेगा इस वाले केस में, अनलिमिटेड इंटरेस्ट, अनलिमिटेड, कोई दिक्कत नहीं। आप सरकार को टैक्स दे रहे हो, अनलिमिटेड इंटरेस्ट क्लेम करो। थर्ड को अभी मत करना, थर्ड को छोड़ दो, थर्ड में तो इतने बच्चे कंफ्यूज होंगे, अभी थर्ड को छोड़ दो, धीरे धीरे डाइजेस्ट करेंगे, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली स्लोली। सर एक मेरा डाउट है, अभी डाउट को रखो अपने पास। फोर्थ इज लेट आउट फॉर पार्ट
सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर पार्ट, दैट मींस टाइम वाइज लेट आउट इवन फॉर वन डे। आपने क्या किया, प्रॉपर्टी लेट आउट कर दी टाइम वाइज, टाइम वाइज प्रॉपर्टी लेट आउट है। हाँ जी, लेट आउट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर, लेट आउट फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर पार्ट ऑफ द ईयर, दैट मीन्स आपका वो घर 2 महीने के लिए किराए पर था, 10 महीने के लिए खाली था या सेल्फ ऑक्यूपाइड। मतलब हो सकता है आप 2 महीने के लिए खुद रहे हो और बाकी 10 महीने आपने रेंट पर दिया, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। दैट मीन्स कोई ऐसा केस आ गया है जिस केस में वही घर आप रहे भी थे फिर आपने चेंज कर लिया। दैट मीन्स मान लो आप घर शिफ्ट कर रहे हैं, साल के बीच में शिफ्ट कर रहे हैं, तो कुछ महीने आप उसमें रहे और अब उस आपने वो किराए पर दे दिया टाइम वाइज पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड पार्टली लेट आउट। तो एक्सपेक्टेड रेंट आप कैलकुलेट करेंगे पूरे साल के लिए, एक्सपेक्टेड रेंट आप कैलकुलेट करेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट शैल बी कैलकुलेटेड फॉर होल ईयर, ARR shall be computed for let out period, कोई दिक्कत? Expected rent है जो आप complete करेंगे पूरे साल के लिए, और जो ARR है जितना दिन आपने वो let out किया, ARR मतलब actual rent received या receivable, वो आप कितने दिन के लिए करेंगे, जितना आप उसमें रहे, sorry जितना आपको वो rent मिला जितने दिनों का, और जब आप उसकी GAV निकालेंगे तो एक्सपेक्टेड रेंट और ARR विच एवर इज हायर लेकर चलेंगे, फुल म्यूनसिपल टैक्स अलाउड हो जाएगा, फुल म्यूनसिपल टैक्स अलाउड हो जाएगा। कोई दिक्कत इस वाले केस में? हाँ जी, कोई दिक्कत सर? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से देखो, ध्यान से समझो, डाइजेस्ट करो क्या बताया मैंने। 3 केस करवाए हैं अभी तक आपको, तीनों केस में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट केस, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, आप 2 घर ले सकते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड। जीएवी क्या होगा सर? नेल होगा। कोई चीज अलाउड होगी म्यूनसिपल टैक्स? नो। स्टैंडर्ड डिडक्शन? नो। सर एक चीज अलाउड होगी, वो क्या होगी सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना अलाउड होगा सर? 2,30,000। 2 लाख के लिए 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन एक्विजिशन के लिए लिया हो, 5 साल के अंदर अंदर कंप्लीट किया हो, और 1/4/1999 के बाद या उस दिन के लिया हो, तो 2 लाख, नहीं तो 30,000। रिपेयर मेंटेनेंस के लिए लिया तो 30,000 सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के लिए। उसके बाद प्रॉपर्टी लेट आउट फॉर होल ऑफ द ईयर, इसमें तो कोई डाउट आना ही नहीं चाहिए, सारे क्वेश्चन हमने इस बेसिस पर किए हैं, इंटरेस्ट आपको अनलिमिटेड मिलेगा। थर्ड केस मैंने कराया, कुछ दिन वो घर किराए पर चढ़ा, कुछ दिन आप उसमें रहे, आपने शिफ्ट कर लिया, आप कहीं और चले गए, दैट मीन्स साल के कुछ महीने आप उसमें थे फिर आपने वो किराए पर दे दिया, तो जो एक्सपेक्टेड रेंट निकलेगा, एक्सपेक्टेड रेंट मतलब सरकार का रेंट, और एक्चुअल रेंट मतलब जो मैं बता रहा हूं सरकार को, एक्सपेक्टेड रेंट सरकार जो मुझे बता रही है, एक्चुअल रेंट जो मैं सरकार को बता रहा हूं। तो सरकार क्या कहती है, मुझे क्या पता ये मकान तेरा पूरे साल किराए पर था, खाली था, क्या था, तू रहा नहीं रहा। तो मैं तुझे एक फॉर्मूला देता हूं इसको निकालने, जीएवी निकालने का इस केस में। तो एक काम कर, जो एक्सपेक्टेड रेंट है, दैट मीन जो सरकार का रेंट है, जिसको सरकार कहती है कि ये मान का एक्सपेक्टेशन है मेरी कितना रेंट होना चाहिए इस इलाके में, उन्हें उसने कहां से निकाला? म्यूनिसिपल रेंट से, स्टैंडर्ड कंट्रोल से, फेयर रेंट से, वहां से निकाला उसने एक्सपेक्टेड रेंट। तो सरकार कहती है मेरे हिसाब से तो 12 महीने का इतना रेंट होना चाहिए। आप क्या कहते हो? आपके हिसाब से इतना होना चाहिए लेकिन एक्चुअल रेंट तो मेरे पास इतना है। वो कह रहे ठीक है दोनों का हायर ले लो जीवी। मुझे देख, सरकार कहती मुझे नहीं पता, क्या पता तू मुझे झूठ बोल दे, मैंने कोई आकर हर घर में घुस घुस के थोड़ी देखेंगे, या हर प्रिमाइसिस में घुस घुस कर थोड़ी देखेंगे ये रेंट पर है कि खाली है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड है। हाँ, जो मैंने फिक्स क्राइटेरिया बना रखे हैं, एक्सपेक्टेड रेंट पूरे 12 महीने का निकाल पूरे साल के लिए, एक्चुअल रेंट चल ठीक है तू अपना रख ले, मैं अपना रख लेता हूं, मैंने अपना रख लिया, एक्सपेक्टेड रेंट पूरे साल का निकाल लिया, एक्चुअल रेंट तू निकाल ले, दोनों में से जो हायर होगा वो मेरा क्या आ जाएगा? जीएवी। वो कह रहा म्युनिसिपल टैक्स में फुल अलाउ कर देता हूं, म्युनिसिपल टैक्स में फुल अलाउ कर देता हूं। क्यों? क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड तुम थे, एक्चुअल में सेल्फ ऑक्यूपाइड अगर पूरे साल के लिए हो, सेल्फ ऑक्यूपाइड पूरे साल के लिए, तो म्युनिसिपल टैक्स अलाउड नहीं होते।
लेकिन ध्यान देना, ध्यान देना, म्यूनिसिपल टैक्स के अगर पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड है और पार्टली लेट आउट है तो उस केस में उसने म्यूनिसिपल टैक्स अलाउड कर दिए। क्यों अलाउड किए सर? क्योंकि चाहे भले ही वो पार्टली, चाहे वो एक महीने के लिए उसने रेंट को दी, रेंट पर टैक्स दिया सरकार को, लेकिन दिया तो सही, ठीक है। तो यहाँ पर टैक्स प्लानिंग हो सकती है, बढ़िया वाली, समझो बात को, अगर म्यूनिसिपल टैक्स ज्यादा हुए तो ही रेंट से। अगला केस देखो, सर मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, बहुत बढ़िया जी। सर मेरे पास दो से ज्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड, उस टाइम पे एक बच्चे का डाउट आया था मन में, मैंने कहा था रुको अभी, अगर सर किसी के पास चार घर हो तो क्या होगा? सोचो, चार घर हो, मुकेश अंबानी है, हाँ सर, सर मोटा मोटी हर शहर में उसने घर ले रखा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सर बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कई शहरों में उनके मकान हैं, कई शहरों में उनकी बिल्डिंग प्रमाइसेस है, कई शहरों में उनके मॉल में दुकानें हैं, कई शहरों में उनके कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, हाँ, तो बाय चांस मान लो दो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है तो कोई दिक्कत। अब मान लो कि चार हो, पांच हो, छह हो, तीन हो, दस हो तो क्या? वो कह रहा देख मैंने तुझे पहले ही बोल दिया था दो से ज्यादा मैं अलाउ नहीं करूंगा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी केस में। खुद ही दिमाग लगा लो सरकार क्या कहेगी, खुद ही, मैं पढ़ने से पहले खुद ही बताओ सर, वो कहेगी मान लो आपके पास चार घर हैं तो दो का, या मान लो पांच घर है, पांच घर ले लो तो दो का क्या मान लेंगे सर? सेल्फ ऑक्यूपाइड। तीन का क्या मानेंगे? डीम्ड लेट आउट। फिर भाई जीए भी निकाल दो उसका, लेट आउट मानते हुए, डीम्ड लेट आउट, लेट आउट मान लिया गया है। इफ एसएससी हैविंग मोर देन टू हाउसेस, बहुत आसान समझा, बहुत स्लोली चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। If SSC is having more than two houses, he is using all of them for himself. He has the option to choose any two houses as self-occupied property. आपको चूज करना है कौन से दो घर में आपका रेंट कम आएगा, या अगर लॉस हो रहे हैं तो लॉस ज्यादा आएगा। जो आपके लिए बेनिफिट हो वो आप चूज करो, पांच में से कोई दो। सरकार ये नहीं कहती तुम्हें ये पनवेल वाला और दिल्ली वाला दो ही मिलेंगे, ये जो मुंबई वाला है, ये जो कलकत्ता वाला है, ये बेंगलोर वाला है, ये हम कहां मानेंगे डीम लेट आउट में, नहीं। सरकार ये कह रही है भाई सुनो, पांचों घर में से चूज बेस्ट ऑप्शन फॉर योर सेल्फ, कैलकुलेट कर पांचों घर में जो तुझे सबसे ज्यादा कम इनकम आए, अगर लॉस हो रहे हैं तो सबसे ज्यादा लॉस हो उसी घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड बना, कोई दिक्कत नहीं। हर साल चेंज करना चाहता है करता रहे चेंज। एंड अदर हाउसेज विल बी डीम्ड लेट आउट, जीएवी फॉर डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी। क्या लगता है नॉर्मल केस होगा? एक्सपेक्टेड रेंट, बिकॉज देयर इज नो रेंट रिसीव्ड, बोथ हाउस प्रॉपर्टीज आर सेल्फ ऑक्यूपाइड, इंटरेस्ट अलाउड अनलिमिटेड, इंटरेस्ट अलाउड अनलिमिटेड, क्योंकि डीम्ड लेट आउट मान ली है, अब सरकार आपसे टैक्स लेगी ही लेगी, इसलिए आपको इंटरेस्ट अलाउड कर दिया अनलिमिटेड। डीम्ड लेट आउट कैसे करेंगे जी? बोलो बोलो कैसे करेंगे सर? जो भी एक्सपेक्टेड रेंट आएगा वही मेरा जीएवी हो जाएगा। लॉजिकली भी ठीक है यार, लॉजिकली भी तो ठीक है। मान लो एक्चुअल में, जेन्युइन में वो बंदा पांच घरों में रहता है, हो सकता है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, जहां उसका मन किया वहां शिफ्ट हो गया, वो साल इतना बड़ा होता, 12 महीने होते साल में, गर्मियों में वो चला गया, उसका देहरादून में घर था, मनाली में घर था, वहां रहता है 2-4-6 महीने, दिवाली पे वो इधर आके रहने लगता है दिल्ली वगैरह में, साउथ इंडिया में जब त्योहार आते हैं वो उधर रहने लगता है, उसको हर इंडिया का हर कोना पसंद है, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। या फिर आप बिजनेसमैन हो, आपके बिजनेसेस इतने हैं, हर देश के हर कोने में बिजनेस है, तो आपने 5-6 फ्लैट ले रखे, 4 फ्लैट ले रखे, 3 फ्लैट ले रख सकते, जेन्युइन है आपका, लेकिन सरकार कहती कोई दो घर। अब कोई दो घर तो जो तीसरा रह गया, चौथा रह गया, पांचवा रह गया, उनका क्या होगा? उनका ये होगा, उनको डीम्ड लेट आउट मान लो, एक्चुअल रेंट तो आया नहीं, आप तो खुद रहते हो, हाँ, तो उसमें एक्चुअल रेंट का तो कोई केस है नहीं, तो जीएवी क्या ले लूंगा? एक्सपेक्टेड रेंट जो सरकार कह रही है, फिर वही जीएवी, ठीक है, ठीक है जी। जीएवी फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड निल होगा, इंटरेस्ट अलाउड अप टू, वो तो फिर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के जो केसेस हैं वही होंगे, उनके अलावा तो कोई दिक्कत है ही नहीं। कोई अभी तक दिक्कत आई? मैंने आपको 1, 2, 3, 4 केस करवा दिए, 6 टोटल है, ना समझ में आया हो तो बताओ मुझे, लिखवा नहीं रहा हूं मैं, लिखवाने के लिए मेरे पास इसमें कंटेंट बहुत है,
मैं लिखवाने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, वरना मैं कभी ऐसे नहीं पढ़ाता बुक से, मैं हमेशा लिखवाता हूँ। ये देखो कल भी हमने लिखे थे सारे प्रोविजंस, हम लिखते चलते हैं। ये देखो कल लिखवाए थे ना ये सारी चीज़ें, ये देखो हाथ से लिखी हूँ, लेकिन मैं आज लिखवा नहीं रहा हूँ क्योंकि लिखने में टाइम वेस्ट होगा। आप सिर्फ बुक से रीड करो इन वाले कॉन्सेप्ट को, इतने कुछ हैवी कॉन्सेप्ट ये है नहीं, प्री कंस्ट्रक्शन का हैवी कॉन्सेप्ट था इसलिए लिखवाया। इसको आप खुद से रीड कर सकते हो, बुक से रीड कर सकते हो। हाँ जी, कोई दिक्कत है? नो सर। चलो ईयर टू ईयर चेंज कर सकते हैं आप इसको, कोई इश्यू नहीं है। इस साल ये लिया, अगले साल कोई और बेनिफिट हो रहा है, उससे अगले साल कोई और बेनिफिट हो रहा है, तो यू कैन चेंज विदाउट एनी डाउट। ठीक है, ठीक है जी। एक और केस है, बड़ा छोटा सा प्यारा सा केस है। घर एक ही है आपके पास, घर एक ही है आपके पास, बट वन पोर्शन इज लेट आउट एंड अनदर पोर्शन इज सेल्फ ऑक्यूपाइड। एरिया वाइज जो मैक्सिमम केसेस इंडिया में होते हैं, क्या करते हैं, चार माले का बिल्डर फ्लोर बना देते हैं, दिल्ली में जो अमूमन तौर पर चलता है, या बेंगलोर में भी मैंने देखा है, शहरों में आज यही होता है अधिकतर। अब मुंबई मुंबई की बात करें तो वहां पे तो भाई बहु मंजिला इमारतें होती, तो वहां काम नहीं करें हम। दिल्ली वगैरह, दिल्ली मुंबई, दिल्ली बेंगलोर चेन्नई वगैरह में मैंने ये चीजें देखी, कलकत्ता में भी देखी। वहां पर क्या होता है कि चार फ्लोर की मान लो बिल्डर फ्लोर है, अब एक परिवार एक ही फ्लोर पे तो रहेगा, ज्यादा से ज्यादा दो ले लेता है, दो पर वो क्या करता है लेट आउट कर देता है। मैक्सिमम केसेस इंडिया में यहां आते हैं। खुद सोचो, अब खुद सोचो क्या करना है। सर कुछ नहीं करना है, जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है सेल्फ ऑक्यूपाइड के हिसाब से निकाल लो, जो लेट आउट है वो लेट आउट के हिसाब से निकाल लो, दोनों को नेट कर दो लास्ट में। सिंपल, एरिया वाइज है, एरिया वाइज है, हो सकता है। हाँ जी बोलो। एक क्वेश्चन करेंगे इस वाले पर, इस वाले के क्वेश्चन आते हैं इस वाले कॉन्सेप्ट से, क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर यही है। घर ऐसे हो सकता है, ये रेंट पर हो, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड हो, या फिर घर ऐसे भी हो सकता है, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड हो, ये दोनों लेट आउट प्रॉपर्टी हो। एरिया वाइज है, एरिया वाइज अलग अलग है, तो इस केस में क्या होगा? कुछ नहीं सर, जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है जीएवी निल लेके कर दो, और इंटरेस्ट तो अलाउड होगा ही लिमिटेड, और जो लेट आउट है उनके लिए अनलिमिटेड। सिंपल सिंपल, वन पोर्शन, समझना जी, वन पोर्शन इज लेट आउट, अनदर पोर्शन इज सेल्फ ऑक्यूपाइड। एरिया वाइज फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड जीएवी निल होगी, नो डिडक्शन ऑफ म्युनिसिपल टैक्स ऑब्वियसली नहीं करेंगे, इंटरेस्ट इज डिडक्टेबल सब्जेक्ट टू लिमिट 30,000 to 2 lakh फॉर लेट आउट प्रॉपर्टी, एक्सपेक्टेड रेंट शैल बी कंप्यूटेड ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस। दैट मींस अगर 50% लेट आउट है तो सिंपल जो भी एक्सपेक्टेड रेंट आपका निकल कर आए उसका 50% ही क्या आप लेंगे जीएवी। समझ आया नहीं आया? आपने जो एक्सपेक्टेड रेंट आप निकालोगे वो पूरे घर का निकलेगा, वो पूरे घर का निकलेगा। आपको अगर बाई चांस मान लो 50% लेट आउट है, 50% सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो जो एक्सपेक्टेड रेंट आए उसका प्रोपोर्शनेटली 50% ही लेना। एक्चुअल रेंट ऑलवेज फॉर लेट आउट प्रॉपर्टी, देर इज नो रिक्वायरमेंट टू रिगार्ड द प्रॉपर्टी एज सिंगल प्रॉपर्टी। आप उसको सिंगल प्रॉपर्टी मत मानो, दोनों की अलग अलग कैलकुलेशन करो, लास्ट में आके मर्ज कर देना। इसका एक क्वेश्चन लिखो, एग्जाम में कई बार पूछा ही है इसलिए इसका एक क्वेश्चन लिखो फटाफट। हाँ जी लिखो। मिस्टर जेके प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, फॉर हिज हाउस विच इज 50% लेट आउट, एट ए मंथली रेंट ऑफ रुपीज 38,000,
ध्यान देना जी, मिस्टर जेके प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर हिज हाउस व्हिच इज, एग्जाम का क्वेश्चन है, मैं फिर कह रहा हूं एग्जाम का क्वेश्चन है, व्हिच इज 50% लेट आउट एट ए मंथली रेंट ऑफ 38,000। अब आपको क्या क्या चीजें दी गई हैं समझना जरा, एग्जाम में पूछा था म्युनिसिपल वैल्यू 8 लाख, फेयर रेंट 6.5 लाख, स्टैंडर्ड रेंट 10 लाख, म्युनिसिपल टैक्स 15%, ओनली 50% पेड, इंटरेस्ट 3,20,000, इंश्योरेंस 30,000 और रिपेयर 65,000। कैलकुलेट हाउस प्रॉपर्टी इनकम, फॉर मिस्टर जेके, कैलकुलेट करो जी, ये लो पूरा क्वेश्चन, मिस्टर जेके प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर हिज हाउस व्हिच इज 50% लेट आउट एट ए मंथली रेंट ऑफ 38,000, म्युनिसिपल वैल्यू 8 लाख, फेयर रेंट 6.5 लाख, स्टैंडर्ड रेंट 10 लाख, म्युनिसिपल टैक्स 15% जिसका हमने 50% ही पे किया है, इंटरेस्ट 3.20 लाख, इंश्योरेंस कराया है घर का 30,000, रिपेयर कराया है 65,000 का। चलो जी सॉल्व बाय योरसेल्फ, नथिंग चेंज, बजट का ही देख रहा हूँ, अभी कुछ ज़्यादा कुछ चेंज हुआ नहीं है आपका। हाँ जी, सॉल्व हुआ किसी से? सॉल्व हुआ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, मैं फिर कह रहा हूँ बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक दो मिनट और लो, सॉल्व करो, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, सॉल्व करें, दो पार्ट्स में लेना, एक सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए। चलो करवा देते हैं जी, बच्चे कह रहे हैं सर प्लीज करवा दो, जो जो बोला है वही अप्लाई कर दो, एक सिंगल प्रॉपर्टी इसको नहीं मानना, ठीक है? ठीक है साहब,
चलो जी, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, लेट आउट प्रॉपर्टी, पार्टिकुलर्स, चलो जी जीएबी लिखो सबसे पहले, माइनस कर दो उसमें से म्युनिसिपल टैक्स, क्या फिगर आई सर, जो भी आया वो आया एनएवी, माइनस कर दो उसमें से 24A, 24B, स्टैंडर्ड डिडक्शन, इंटरेस्ट ऑन लोन, चलो जी जो भी बचेगा वो मेरा क्या बचेगा सर, जो भी बचेगा वो आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बचेगी, बहुत अच्छी बात है भाई। चलो जीएबी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए, सबसे पहले सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए जीएबी निल, म्युनिसिपल टैक्स नहीं अलाउड होते, एनएवी निल, स्टैंडर्ड डिडक्शन निल सर, इंटरेस्ट ऑन लोन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए कितना होगा सर, सबसे पहली बात ध्यान रखने का, ये 50% है, ये 50% है। अब क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो। हाँ जी, सबसे पहली बात तो ये, आउट ऑफ इस 50% लेट आउट ऑन मंथली रेंट ऑफ 38,000, ये आपको इंफॉर्मेशन दी है और उन्होंने बोला है कि जो इंटरेस्ट है वो 3.20 पूरे घर का है, समझना, इधर 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 बी फोकस्ड, बी फोकस्ड, पूरे घर का कितना है सर, 3,20,000 रुपए, 3,20,000 रुपए, इस 3,20,000 को करो 4,20,000 रुपए, 4,20,000 रुपए इसको करो 4.5 लाख करो, चलो 4.5 लाख। अब क्वेश्चन सॉल्व करो सर, अभी तक तो हमने जो कर दिया था आपने कटिंग करवा दी, आप वैसे भी सॉल्व कर लो जैसे आपने किया, बस मुझे कॉन्सेप्ट समझाना है, यहाँ पर मिस्टेक हो गया मेरे से। 4.5 लाख, 4.5 लाख का इंटरेस्ट है, हाँ सर, ये क्या बोला इसने, 50% लेट आउट है, 50% क्या है सर, लेट आउट है। चलो 50% की अगर मैं बात करूं तो इसका 50% कितना होगा सर, इसका 50% होगा 2,25,000। हाँ जी, कितना, 4.5 लाख, 4.5 लाख का 50% लेकर चलेंगे, 4,50,000 डिवाइड बाई 2,25,000, तो क्या मैं 2,25,000 अलाउड कर दूं, 50% इंटरेस्ट था 4.5 लाख पूरे घर का, लेकिन आपको लेट आउट प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का निकालना, तो 50% निकाल लेंगे, तो इसका 50% आया 2,25,000, क्या मैं सारा अलाउ कर दूं, नहीं सर, मैंने आपको बताया था सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में सिर्फ 2 लाख तक का ही अलाउड होता है, कट लगाओ, लिखो 2 लाख रुपए, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट जरूरी था, क्या आ गया आपका लॉस आ गया सर, 50% लेट आउट प्रॉपर्टी, जीएवी कितना आएगा, जीएवी, हाँ जी सबसे पहली बात जीएवी कितना आएगा सर, दोनों में हायर कितना आया जी सर, 8 लाख, जो भी आया उसको कंपेयर कराओ स्टैंडर्ड रेंट से, दोनों में लोअर क्या आया जी सर, फिर दोबारा 8 लाख, क्या आ गया एक्सपेक्टेड रेंट, जो भी रेंट आया एक्सपेक्टेड रेंट, मैं उसका क्या लूंगा, एक्सपेक्टेड रेंट आया मैं उसका क्या लूंगा सर, उसका 50% लेंगे सर, उसका 50% लेंगे, रेंट रिसीव कितना था, हाँ जी आपने मंथली रेंट, रेंट रिसीव्ड ए आर आर कितना है सर, 38,000 पर मंथ, 38,000, 38,000 मल्टीप्लाई बाय 12, ये कितना है 4,56,000, 4,56,000। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बतलाओ, कितना लें सर, एक्सपेक्टेड रेंट है मेरा 8 लाख रुपए, एआरआर है मेरा 4,56,000 रुपए, सर ये 4,56 कैसे आया, 4,56,000 ये आया 38,000 मल्टीप्लाई बाय 12, तो एक्सपेक्टेड रेंट और एआरआर विच एवर इज हायर, दैट मींस 8 लाख मेरा क्या हो गया जीएवी, यस और नो बोलो जल्दी बोलो, किस किस बच्चे ने जीएवी 8 लाख लिखा है यहां पर, दोबारा से भूल जाओ, भूल जाओ क्या था, दोबारा से रिफ्रेश करते हैं,
म्युनिसिपल वैल्यू कितना सर 8 लाख, फेयर रेंट कितना सर 6,50,000, दोनों में हायर, हायर कितना आया सर 8 लाख, 8 लाख आ गया बाहर, ठीक है। अब जो भी हायर फिगर आई उसको कंपेयर कराओ स्टैंडर्ड रेंट से, दोनों में कौन लोअर, तो 10 लाख और 8 लाख, विच एवर इज लोअर सर 8 लाख, क्या आ गया एक्सपेक्टेड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट कितना आया 8 लाख, मंथली रेंट कितना रिसीव हुआ 38,000, 38,000 में मल्टीप्लाई बाय 12, 4,56,000, दोनों में हायर लेंगे तो मेरा जीएवी आ गया 8 लाख। ये किसने किया है जीएवी 8 लाख किसने लिखा है जल्दी बोलो, जिस बच्चे ने जीएवी 8 लाख लिखा है वो गलत है, काटो उसको, काट के लिखना, क्यों सर, क्योंकि मेरे भाई मेरे बच्चे ये पूरे पूरे मकान का है, जबकि आप प्रोपोर्शनेटली निकाल रहे हो लेट आउट प्रॉपर्टी का, तो आपको नहीं लगता जो भी निकला 8 लाख इसका करेंगे 50%, हाँ सर, फिर करेंगे कितना आया 4 लाख। अब 4 लाख को और 4,56 को कंपेयर करवाओ, अब बताओ किसका है, क्योंकि ये 4,56 है, ये 38,000 लेट आउट प्रॉपर्टी का रेंट है, ये ऑलरेडी 50% है, लेकिन एक्सपेक्टेड रेंट जो निकला था वो मेरा पूरे ब्रांड मकान का था 8 लाख 6,50,000, दोनों में से हायर 8 लाख, 8 लाख 10 लाख, विच एवर इज लोअर 8 लाख, तो जो एक्सपेक्टेड रेंट था वो मेरा पूरे मकान का था, इसका करूंगा 50%, क्यों, क्योंकि सिर्फ लेट आउट प्रॉपर्टी का वो कितना है 4 लाख। अब 4 लाख को और 4,56,000 को, 4 लाख और 4,56,000 दोनों को कंपेयर करो, दोनों में से जो भी हायर होगा, क्यों, क्योंकि एक्सपेक्टेड रेंट 4 लाख, रेंट रिसीव्ड 4,56,000, 4,56,000 दोनों में से जो भी हायर होगा 4,56,000 आपका क्या आएगा जीएवी, म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स प्रोपोर्शनेटली करेंगे सब कुछ, म्युनिसिपल टैक्स कितना है सर, म्युनिसिपल टैक्स है 15%, चलो जी बताओ एक बार 15% हो गया म्युनिसिपल टैक्स, हाँ जी कितना है सर 15%, किसका लूं, 4,56,000 का लूं म्युनिसिपल टैक्स या म्युनिसिपल वैल्यू का, सर म्युनिसिपल वैल्यू का, चलो जी 8 लाख की म्युनिसिपल वैल्यू है इसका, 15% है म्युनिसिपल टैक्स, मल्टीप्लाई कर दिया 15%, ये आ गया कितना 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000, लेकिन इसमें से सिर्फ हमने 50% पे किया डिवाइडेड बाय 2 या 50%, सिर्फ 60,000 हमने पे किया, 60,000 कितना है पूरे मकान का, पूरे मकान का, उसमें सेल्फ ऑक्यूपाइड भी इंक्लूड है, उसका भी 50% कर दो, कुल मिला के 30,000 होगा अलाउड यहां पर, सर एक बार दोबारा बता दोगे मेरे को समझ नहीं आया, दोबारा सुन लो, म्युनिसिपल टैक्स कितना है 15%, 15% कितना म्युनिसिपल वैल्यू का लेते हैं, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं सर, इसका मैंने 15% किया तो आया मेरा 60 लाख, नहीं 1,20,000, 8 लाख का 15% 1,20,000, उसमें से मैंने 50% ही पे किया, तो एक्चुअली पेड बाय ओनर, इसका कर दो 50% कितना आ गया 60,000, 60,000 आपने म्युनिसिपल टैक्स पे किया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये पूरे मकान का है, इसमें से 50% लेट आउट है, 50% सेल्फ ऑक्यूपाइड है, सेल्फ ऑक्यूपाइड का मिलेगा नहीं म्युनिसिपल टैक्स, तो जो 50% तो 60,000 का भी 50% 30,000 वही लेट आउट प्रॉपर्टी का है और मैंने वही अलाउड किया है, 4,26,000 का 30% हो गया स्टैंडर्ड डिडक्शन, 4,26,000 का 4,26,000 का 30% 1,27,800 आपका आ गया ए। अब मुझे बतलाओ ये कितना है इंटरेस्ट सर 4,50,000, 4,50,000 का 50% वहां अलाउड कर दिया था सेल्फ ऑक्यूपाइड में अप टू 2 लाख, हाँ सर इसका 50% निकालो सर ये आया 2,25,000, क्या मैं 2,25,000 पूरा क्लेम कर लूं, क्या मैं 2,25,000 पूरा क्लेम कर लूं सर डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी को, या फिर लेट आउट प्रॉपर्टी को, लेट आउट प्रॉपर्टी में आपको अनलिमिटेड मिलता है, लिमिट यहां थी 2 लाख की, यहां पर अनलिमिटेड होगा, तो माइनस करवा दो यार,
नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज, दोनों को कर दो, वन लैख 26,800 का लॉस, या फिर नेट लॉस कर दो यहां पर, ये हो गया आपका लॉस। हाँ जी उतारो फटाफट, किसी को कुछ कॉन्सेप्ट समझ ना आया हो तो यू कैन आस्क मी, कोई दिक्कत हुई हो तो यू कैन आस्क। हाँ जी कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ मुझे, अभी ठीक कर देते हैं। हाँ जी मजा आया, कुछ अलग हटके लगा, कुछ अलग हटके समझ में आया, कुछ वैल्यू मिली कि नहीं मिली। दोस्त जब तक वैल्यू ना मिले ना मेरा पीछा मत छोड़ना, मैं तुम्हें हमेशा कहता हूँ मेरा पीछा तभी छोड़ना जब तुम्हें लगे हाँ मास्टर जी ने कुछ वैल्यू दी मुझे, हाँ कि हाँ लाइफ में कुछ ग्रो हुआ, CA इंटर पास हुआ, कुछ प्रैक्टिकल जो सर ने बताया वो प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी आई, मैं क्लाइंट के पास गया तो मैंने ये चीजें लगाई, इंटर्नशिप में गया तो ये चीजें मैंने एप्लीकेबल देखी लगाई, एक्चुअल में मैंने खुद CA को बताया, CA इंप्रेस हुआ, स्टाइपेंड बढ़ा दिया 500 रुपये पर मंथ से, 500 रुपये पर मंथ से स्टाइपेंड बढ़ा दिया। हाँ जी यस और नो, चल सकते हैं, होप सो क्लियर होगा, बुक निकालो, कुछ रहा आपका मुझे नहीं लगता, एक कॉन्सेप्ट रह गया बस आपका, ये कंप्लीट हो गया साहब आपका, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये वाला रह गया, इसको मैं पूरा लिखवाऊंगा, इस वाले को पूरा लिखवाऊंगा, चिंता मत करो अभी लिखेंगे इस वाले को, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ जाता है इसलिए इसको लिखना बेहद 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 जरूरी है, इंपॉर्टेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है। चले 2 मिनट के लिए एक बार डाइजेस्ट कर लो जो जो पढ़ाया है, 2 मिनट लगा के, डाइजेस्ट का मतलब एक बार गो थ्रू कर लो कि सर ने क्या बताया था, ताकि ठीक लगे आपको भी। जीवन अपना सारा सनम, प्यार बहुत करते हैं तुमसे, जीवन अपना सारा सनम। कल मोस्ट प्रोबेबली ये चैप्टर खत्म कर देंगे हम, मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे फिर, आज ये 90% ये चैप्टर खत्म हो चुका है, 90% ये चैप्टर खत्म हो चुका है, अब छोटे मोटे कॉन्सेप्ट बचे हैं, डीम ओनरशिप का है, को ओनरशिप वाला है, ये छोटे मोटे कॉन्सेप्ट बचे हैं वो हम करवा देंगे। चले चलो अगला कॉन्सेप्ट है लेट आउट प्रॉपर्टी वेकेंट है, लेट आउट प्रॉपर्टी वेकेंट है, लेट आउट प्रॉपर्टी वैकेंट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर, लॉजिकली समझना इसको, बहुत लॉजिकली समझाऊंगा, अभी तक रट्टा मारा होगा, फिक्स किया हो, कुछ भी किया हो, अब इसको लॉजिकली समझेंगे एकदम आराम से,
5 से 10 मिनट 15 मिनट मैक्सिमम मैक्स कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। लॉजिकली देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है। इसमें दिक्कत यह है कि आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट थी, सेल्फ ऑक्यूपेशन का यहाँ कोई जिक्र नहीं हो रहा है, सेल्फ ऑक्यूपेशन का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं हो रहा है, यहाँ पर लेट आउट की बात चल रही है। कोई लेट आउट प्रॉपर्टी थी वो आपकी खाली हो गई बीच में ही या कभी भी, दैट मीन्स लेट आउट प्रॉपर्टी आपकी वैकेंट हो गई साल के बीच में, साल के एंड में, कभी भी, कुछ महीनों के लिए वो लेट आउट रही, कुछ महीनों के लिए वो वैकेंट रही, सेल्फ ऑक्यूपाइड बात नहीं कर रहा, वैकेंट रही। सेल्फ ऑक्यूपाइड में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, वैकेंसी में दिक्कत है। अब गवर्नमेंट आपको शक की नजरों से फिर दोबारा देखेगी। सेल्फ ऑक्यूपाइड में फिर भी प्रूफ करना आसान हो जाएगा कई बार कि आप कहाँ रहते थे, कहाँ नहीं रहते थे, अपने डॉक्यूमेंट ले आओ, बिजली का बिल ले आओ, आपने ये चीज़ें की थी, ये नहीं की थी, आप रहे थे नहीं रहे थे, पता चल जाता है बहुत सी चीज़ों से कि यहाँ पर ये सेल्फ ऑक्यूपाइड थी कि नहीं थी। लेटआउट में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्या पता आपकी प्रॉपर्टी पूरे साल रेंट पर चढ़ी रही हो और आपने कैश में कुछ महीने का रेंट ले लिया हो और बोल दिया हो कि लास्ट में ये तो खाली थी जी प्रॉपर्टी 4 महीने। सरकार कहाँ कहाँ किस किस दुकान में, किस किस गोडाउन में, किस किस घर में घुस के देखेगी कि ये जेन्युइनली प्रॉपर्टी वैकेंट थी कि नहीं थी। सरकार को भी दिक्कत आई, फिर सरकार ने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, खाली थी, मान लिया खाली थी। अब हम इस वाले केस के लास्ट केस के लिए, इसके लिए हम अलग से रूल्स रेगुलेशंस बना देते हैं। उसने कहा ठीक है एक काम करो, जीएबी इसमें अलग तरीके से निकालोगे, जीएबी इसमें अलग तरीके से निकालोगे। कैसे निकालेंगे सर? इसमें काम करना, जब भी तुम एक्सपेक्टेड रेंट निकालो, जब भी तुम एक्सपेक्टेड रेंट निकालो वो होल ईयर के लिए निकालना, पूरे साल के लिए। एक्सपेक्टेड रेंट आप जब भी निकालोगे वो पूरे साल के लिए निकालोगे। फिर आप ARR, दैट मींस एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल मिलेगा, वो जो भी निकालो वो भी होल ईयर के लिए निकालना। और इसमें एक चीज और निकालना, एक्चुअल रेंट, खाली जितना आपको रिसीव हुआ फॉर लेट आउट पीरियड ओनली, लेट आउट पीरियड ओनली, बस ये तीन चीजें करना है इसमें। एक्सपेक्टेड रेंट निकालना पूरे साल के लिए, ARR निकालना होल ईयर के लिए, और एक्चुअल रेंट देखना। आप लिखना विखना मत, बाद में आराम से लिख लेना, पूरा टाइम मिलेगा। एक्सपेक्टेड रेंट का मतलब क्या है? सर वो रेंट जो सरकार कहती है कि तुम्हारे इलाके का इतना होना चाहिए, सरकार के हिसाब से पूरे साल का निकाल लो एक बार, ठीक है। ARR क्या तुम्हारे हिसाब से, दैट मींस जो लैंडलॉर्ड है उसके हिसाब से क्या होना चाहिए होल ईयर का, वो भी निकालो। अभी तक ये काम तो हम हर क्वेश्चन में करते थे, पूरे साल का एक्सपेक्टेड रेंट, पूरे साल का ARR, दोनों का निकालते थे, ये तो था ठीक है। एक्चुअल में तुम्हें क्या मिला केवल लेट आउट पीरियड का, वो भी निकालो। ये तो रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल आपको प्राप्त होगा, यू विल रिसीव द रेंट पूरे साल का, पूरे साल का, और एक्चुअल में क्या मिला वो देखो। फिर इसमें दो केस बनाना, फिर इसमें दो केस बनाना, दो केस में पहला क्या, अगर आपका एक्सपेक्टेड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट, अगर आपका एक्सपेक्टेड रेंट कम है एक्चुअल रेंट से, अगर आपका एक्सपेक्टेड रेंट कम है एक्चुअल रेंट से, किससे, इससे ध्यान देना, अगर एक्सपेक्टेड रेंट कम पड़ता है मेरा एक्चुअल रेंट से, दैट मींस आपका एक्चुअल रेंट ज्यादा है एक्सपेक्टेड रेंट से। दूसरे तरीके से अगर मैं इस बात को बोलूं तो वो कहना चाहता है आपका एक्चुअल रेंट है एक्सपेक्टेड रेंट से, दैट मींस आप क्या कह रहे हो उसको, आप बोल रहे हो सर मेरे को जो लेट आउट पीरियड का रेंट है ना, जो आप कह रहे हो, आप कह रहे हो 12 लाख रुपए मिला होगा, अरे मैं कह रहा हूं 14 लाख रुपए मिला है, एक्चुअल में मुझे ज्यादा मिला है, आप कम कह रहे हो, तो सरकार कह रही फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो मैं ही गलत थी एक्सपेक्टेड रेंट में, मैं ही गलत थी कैलकुलेशन में, तुम जो कह रहे हो वही सही, तुम दिन को कहो दिन और रात को कहो रात, तो हम भी तुम्हारे पीछे दिन को दिन रात को रात कहेंगे। तो यहां पर आपका जो जीएवी आएगा वो आपका एक्चुअल रेंट आ जाएगा, कोई इश्यू? हाँ जी, इसमें कोई दिक्कत आई? जीएवी आपका एक्चुअल रेंट आ जाएगा, बोलो
सरकार कहें ठीक है, तुम खुद ही कबूल रहे हो कि तुम्हारा एक्चुअल रेंट ज्यादा है एक्सपेक्टेड रेंट से, ठीक है। सरकार कह रही थी 1,12 लाख है, अरे ये 14 लाख है भाई, 14 लाख मुझे ज्यादा मिला हुआ, जीए भी ले लो 14 लाख, कोई दिक्कत नहीं। पहले वाले केस में कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे वाले केस में आपका एक्सपेक्टेड रेंट, ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा होगा मेरा एक्चुअल रेंट से, इस वाले केस में कम था तो सीधा सीधा आ गया। उस वाले केस में सरकार का ज्यादा है, इस वाले केस में लैंडलॉर्ड का ज्यादा था, तो जीएवी सीधा जो लैंडलॉर्ड बोल रहा है, भाई मुझे एक्चुअल में इतना पैसा मिला है, ठीक है। इस वाले केस पे आओ, इस वाले केस में सरकार कह रही है हमारा ज्यादा है, लैंडलॉर्ड कह रहा है यार जो मेरे को मिला वो कम मिला है। तो अब हम चेक करेंगे इसमें कि क्या वैकेंसी की वजह से कोई दिक्कत आई या बिना वैकेंसी के कोई दिक्कत आई। जैसे फॉर टेकन एग्जांपल, इसके दो पार्ट, इसको नीचे दो पार्ट में बांट दीजिए। हाँ जी, इसको दो पार्ट में बांटना कि अगर आपका ये जो हुआ है एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा हुआ है, ये कारण क्या था? वैकेंसी कारण था ओनली, बिकॉज ऑफ वैकेंसी, या फिर एनी अदर रीजन? जैसे अगर आपका वैकेंसी के कारण था तो जो एक्चुअल रेंट है वही आपका जीएवी हो जाएगा, फिर सरकार की कोई दिक्कत नहीं। वैकेंसी भाई जेन्युइन केस है तुम्हारा, जेन्युइनली वो खाली थी, तो फिर जो पहले था जीएवी इक्वल टू एआर, वही जीएवी इक्वल टू एआर हो जाएगा। जीएवी क्या हो जाएगा यार, केवल इसके कारण। मैं अभी एग्जांपल देके समझाऊंगा, अभी एग्जांपल दूंगा इनके सबके। नॉट ओनली बिकॉज ऑफ वैकेंसी, कोई और कारण भी था, तो फिर सरकार कहती है जीएवी तुम्हारा एक्सपेक्टेड रेंट होगा। जीएवी क्या होगा मेरा? एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है, समझना समझना, एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल वन, एग्जाम्पल टू, एग्जाम्पल थ्री, एक एक करके तीनों के एग्जाम्पल नीचे लिखते हैं, अभी कोरिलेट करेंगे। सब्र रखो, आधा समझ आया होगा, आई नो आधा समझ आया होगा, कोई दिक्कत नहीं, अभी समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर वन, म्युनिसिपल वैल्यू है आपकी 1.5 लाख रुपए, फेयर रेंट है आपका 2 लाख रुपए, एक्चुअल रेंट है आपका 20,000 पर मंथ, वैकेंसी है आपकी 1 मंथ। निकालो जी, केस वन देखते हैं सबसे पहले। अब केस वन, एग्जांपल वन में आपका आपका क्या दिक्कत थी? सर हम केस कर रहे हैं लेट आउट प्रॉपर्टी के वैकेंट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर। जो किराए पर मकान था, किराए पर प्रीमाइसेस थी, किराए पर हाउस प्रॉपर्टी थी, वो आपने कुछ पार्ट ऑफ द ईयर के लिए वैकेंट रखी है, किराएदार नहीं मिला,
कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने कहा तीन चीजें निकालो, एक्सपेक्टेड रेंट सरकार का निकाल लो पूरे साल के लिए, एआरआर एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल पूरे साल का निकाल लो, और एक्चुअली तुम्हें तुम्हारे हाथ में कितना पैसा आया वो जितने दिन के लिए आया वो निकाल लो। पहला केस, अगर तुम्हारा एक्सपेक्टेड रेंट सरकार जो कह रही है वो कम है एआर से, तो फिर ठीक है जीएवी इक्वल टू एआर। देखते हैं आंसर, जीएवी निकालो जी, जीएवी म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट व्हिच एवर इज हायर 1.5 लाख। स्टैंडर्ड रेंट यहां पर है नहीं, स्टैंडर्ड रेंट यहां पर है नहीं, तो एक्सपेक्टेड रेंट निकाल लिया आपने, एक्सपेक्टेड रेंट निकल कर कितना आ गया मेरा सर, 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए। वो वाली थ्योरी मत लगा देना यहां पर कि वो जीरो है निल ले लिया, विच एवरेज लोअर तो जीरो आ जाएगा, नहीं स्टैंडर्ड रेंट यहां पर मिसिंग है तो उसको जीरो ले लो, अगर वो जीरो ले लिया तो फिर सर विच एवरेज लोअर, नहीं एक्सपेक्टेड रेंट 1.5 लाख। एक्सपेक्टेड रेंट के बाद क्या निकालना है, तीन चीजें, ये हो गया एआरआर फॉर होल ईयर, एआरआर फॉर होल ईयर, एक्चुअल रेंट कितना मिल रहा है सर 20,000 रुपए पर मंथ, तो एआरआर कितना होगा सर 20,000 मल्टीप्लाई बाय 12 फॉर होल ईयर 2,40,000। हाँ सर, एआर कितना है सर, एआर है मेरा 20,000 मिला लेकिन 12 महीने के लिए नहीं 11 महीने के लिए, एक महीना खाली था मेरा, 20,000 मल्टीप्लाई बाई 11 2,20,000। अब बताओ मुझे क्या मेरा AR ज्यादा है GAV, AR मोर देन एक्सपेक्टेड रेंट 2,20,000 मोर देन 1.5 लाख, तो GAV क्या हो जाएगा मेरा 2,20,000। सरकार क्या कह रही थी तुमसे, तुम अपना एक्सपेक्ट, सरकार बोली अरे यहां इस एरिया का रेंट तो 1,50,000 रुपए बनता है, तुम बोले नहीं सर एक्चुअली मुझे तो 2,20,000 रुपए मिला है, तो करी ठीक है फिर 2,20,000 ले लो, हम गलत थे कोई दिक्कत नहीं। केस वन बहुत आसान था, बहुत आसान था, बहुत ईजी था, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे वाले में, पहले वाले में तो ठीक है ए आर ज्यादा है ई आर से, दूसरे वाले में ई आर ज्यादा है मतलब एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा, मतलब सरकार का रेंट ज्यादा है। अब सरकार का रेंट ज्यादा है, आ जाओ इसमें दो केस, सरकार का रेंट ज्यादा है दैट मींस लैंडलॉर्ड का रेट कम है, रेंट कम है। हाँ सर, लैंडलॉर्ड का कम क्यों है, क्योंकि साहब खाली थी, सरकार ने जो निकाला वो पूरे साल का निकाला, और जबकि एआर था वो लेट आउट पीरियड के लिए था, सिर्फ जब किराए पर चढ़ा तभी था, खाली थी प्रॉपर्टी, अगर प्रॉपर्टी खाली थी तो मुझे बताओ वैकेंसी थी। हाँ सर, तो जीएवी क्या हो जाएगा एआर। केस नंबर टू, एग्जाम्पल टू, एग्जाम्पल टू, एग्जाम्पल टू, म्युनिसिपल वैल्यू है मेरी 1 लाख, एआरआर है मेरा 12,000 पर मंथ, ज्यादा हो जाएगा 12,000, टेन ले लो पर मंथ, वैकेंसी है मेरी 4 मंथ की। अब मुझे बताओ जीएवी क्या होगा सर, अभी देखते हैं। सर आपने बोला था मैं एक बार एक्सपेक्टेड रेंट निकाल लूंगा, हाँ जी हाँ सर, एक्सपेक्टेड रेंट कितना है सर, एक्सपेक्टेड रेंट मेरा निकल के आया 1 लाख, एआरआर कितना आया सर 1,20,000, और एआर कितना निकल के आया सर 4 महीने खाली था मतलब 8 महीने था तो 80,000, 80,000। चलो जी चेक करो क्या मेरा ER ज्यादा है AR से, चेक करो सर, यस ER ज्यादा है AR से 80,000। हाँ सर, एक सेकेंड, 80,000। हाँ सर,
तो मेरा जीएवी क्या हो जाएगा? सर आपने बोला था इस केस में जीएवी हो जाएगा आपका एआर, लेकिन 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 जीएवी इज इक्वल टू एआर इज इक्वल टू 80,000। लेकिन सर हमें पता कैसे चलेगा कि ये ओनली बिकॉज ऑफ वैकेंसी था? एक काम करो, एक काम करो, इसमें वैकेंसी हटा दो, दो मिनट के लिए, दो मिनट के लिए भूल जाओ वैकेंसी है, जीरो कर दो इसको, इसको जीरो करो। अब देखो कितना आया सर, अब अगर मैं करूंगा ना तो मेरा एआर आ जाएगा 1,20,000, एआर आ जाएगा 1,20,000। दैट मींस ओरिजिनल रीजन था मेरा, सिर्फ जो कम आया मेरा, ये चीज जो हो रही है, ये चीज जो हो रही है, ईआर ग्रेटर देन, ईआर ग्रेटर देन एआर किसके कारण हुई? अगर 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 समझना बच्चे ध्यान से, अगर मेरी वैकेंसी ना होती केस नंबर टू में, अगर केस नंबर टू में मेरी वैकेंसी ना होती तो मेरा एआर कितना आता सर? 1,20,000। तो क्या वो मेरा ज्यादा होता एक्सपेक्टेड रेंट से? हाँ सर, हाँ सर, वो मेरा ज्यादा होता। तो सीधा सीधा इसी कारण हुआ है, ओनली बिकॉज ऑफ वैकेंसी मेरा जो एआर है वो कम हुआ है। सरकार कह रही अरे यहाँ का रेंट तो 1,00,000 रुपए है, मैं कह रहा हूं मतलब लैंडलॉर्ड कह रहा है सर 80,000 है, वो कह रहा है तू झूठ बोल रही है, सरकार कह रही तू झूठ बोल रहा है 1,00,000 रुपए है। सर कह रहा मेरा खाली था, कह रहा चल तू मान ले तेरा भर जाता मकान तो कितना होता? सर कह रहा आपसे तो ज्यादा होता मेरा, आपसे ज्यादा होता मेरा 1,20,000 होता। तो इसका मतलब वो सच बोल रहा है, वो वैकेंसी के कारण ही हुआ है, वैकेंसी के कारण ही हुआ है। अब आगे लास्ट केस इसका देखो, तीसरा एग्जाम्पल थ्री, एग्जाम्पल थ्री, वो दूसरा क्या कारण था कि वैकेंसी ना हो तो भी कम हो सकता है? एग्जाम्पल थ्री, एग्जाम्पल थ्री देखते हैं। म्युनिसिपल वैल्यू है आपकी 6,00,000, एक्चुअल रेंट है आपका 15,000 पर मंथ, वैकेंसी है आपकी 4 मंथ की। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ जी, निकालो, अब देखना यहां पर, अब मुझे बताओ आपका जीएवी कितना आएगा? चलो जी एक्सपेक्टेड रेंट कितना है सब? 6,00,000, 6,00,000 यही है, हाँ सर यही है। ए आर आर कितना है सर? 15,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 12 सर 1,80,000। वैकेंसी कितनी है? 4 महीने की, दैट मीन्स 8 महीने मकान चढ़ा है, तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 8 1,20,000। हाँ सर, अब मुझे बताओ क्या मेरा ईआर ज्यादा है एआर से? सर आपका ईआर 6,00,000 ज्यादा है एआर से 1,20,000। मान लो वैकेंसी ना होती, क्या बोला? मान लो वैकेंसी ना होती, मैं कह रहा हूं 12 के 12 महीने चढ़ गया, कितना होता एआर मेरा? सर 1,80,000 रुपए, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 12 1,80,000 होता मेरा एआर, तो भी मेरा सरकार का ज्यादा। इधर फोकस 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 बी फोकस फोकस फोकस, पहले वाले केस में मान लो वैकेंसी ना होती, इससे पहले वाला केस दोबारा रिपीट करवाना, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, चलो मान लो वैकेंसी ना होती कितना रेंट होता सर? 1,20,000। क्या मेरे एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा था? यहां पर कितना लिखते वैकेंसी? मान लो जीरो, यहां पर जीरो है, जीरो कितना होगा? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12। हां सर एक्चुअल रेंट तुम्हें कितना मिला? 1,20,000। क्या वो ईआर से ज्यादा है, सरकार के रेंट से ज्यादा है? हां सर। दैट मींस जनरली तुम्हारी प्रॉब्लम है यहां पर वैकेंसी के कारण, वैकेंसी के कारण, शब्दों को सुनना, कॉन्सेप्चुअली शब्दों को सुनना, वैकेंसी के कारण ये जो रेंट है, वैकेंसी के कारण जो ये रेंट है एक्चुअल रेंट, ये कम आया है सरकार से। अगर वैकेंसी ना होती सरकार में तुमसे ज्यादा रेंट दिखाता तो सरकार ने कहा ठीक है यार तेरी जेन्युइन मिस्टेक है, इस केस में आओ। वो कह रहे तू हटा वैकेंसी, हटा दी वैकेंसी, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 12 1,80,000 था। सरकार कह रही है नजदीक भी नहीं है तू मेरे, तू झूठ बोल रहा है, किसी और कारणवश तूने ये कम कर रखा है, कोई और कारण है, समझना कितना गैप है 6,00,000 और कहां 1,80,000। अगर वैकेंसी 4 महीने, इसको जीरो कर दूं, अरे इधर आ जा भाई, 4 महीने इसको जीरो कर दूं तो कितना होगा? 15,000 मल्टीप्लाई बाय 12 1,80,000 एक्चुअल रेंट, फिर भी तेरा कम है ईआर से, तेरा बढ़ा नहीं, पिछले वाले केस में तूने बढ़ा दिया था, पिछले वाले केस में तूने बढ़ा दिया था, ये देख
पिछले काले केस में वैकेंसी ना होती तो यहां पर तेरा 1,20,000 होता, तू मेरे से ज्यादा होता। दैट मींस तेरा जेन्युइन प्रॉब्लम थी इसलिए तू मेरे से कम आया, लेकिन तू मत कर वैकेंसी, तू तब भी मेरे से कम ही रहेगा। 15,000 × 12, 15,000 × 12, 1,80,000, कहां 6 लाख और कहां 1,80,000, तू तब भी कम रहेगा। दैट मींस और कोई रीजन है, और कोई क्या रीजन है, तुम्हारा एक्सपेक्टेड रेंट ही बहुत ज्यादा है, एक्चुअल में तुम्हारा रेंट ही बहुत कम दिखा रखा है तुमने, ये रीजन है। ऑलरेडी तुम्हारा ARR से हायर है, एक्सपेक्टेड रेंट ऑलरेडी बहुत हायर है, देखो ना यार कितना गैप है। ठीक है, ठीक है जी। तो यहां पर तुम्हारा GAV क्या होगा, यहां पर तुम्हारा GAV हो जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट माइनस, सरकार कह रही है चल ठीक है एक्सपेक्टेड रेंट, तू कह रहा है ना वैकेंसी है, वैकेंसी का हटा ले, लेकिन एक्सपेक्टेड रेंट में से ही हटाइयो लॉस ड्यू टू वैकेंसी। चलो जी, एक्सपेक्टेड रेंट कितना है जी यहां पर 6 लाख, सर 6 लाख माइनस लॉस कितना हुआ वैकेंसी के साथ, सर 4 महीने 15,000 per month, 4 महीने 15 × 60,000 × 4, 60,000, ये तेरा GAV होगा माइनस 5,40,000 योर फाइनल आंसर। हाँ जी, समझ आया यस और नो? एक बार दोबारा रिवाइज करवा दूं, डाइजेस्ट करो एक बार, जो जो एग्जांपल ये उतारे हैं सारे डाइजेस्ट करो। हाँ जी, चले एक बार रुको, दोबारा समझा रहा हूं, जिस बच्चे को नहीं समझ में आया उसके लिए दोबारा, थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है आई नो, लेकिन समझने में बहुत इजी, बहुत इजी, मैंने इसलिए एग्जांपल के साथ समझाया। समझो, यहां पर आओ, चलो इसको भी बाद में पढ़ाऊंगा, पहले यहीं से समझो। लेट आउट प्रॉपर्टी वैकेंट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर, कुछ महीनों के लिए आपकी प्रॉपर्टी खाली थी, सरकार को आप पर डाउट है, सरकार कहती है काम कर, एक्सपेक्टेड रेंट निकाल पूरे साल का, ये सरकार का रेंट है, एक्सपेक्टेड रेंट मतलब म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, हाँ सर, ARR निकाल, कितना रेंट रिसीव करता अगर वैकेंसी ना होती तो, होल पूरे साल का निकाले, जो नॉर्मल है वो निकाल ले पहले, जो नॉर्मल कंडीशन है निकाल ले, फिर एक चीज और निकाल, तू निकाल AR मतलब एक्चुअल रेंट, लेट आउट पीरियड के लिए खाली जितना तूने लेट आउट कराया, तेरे हाथ में एक्चुअल रेंट कितना आया, सिर्फ वो निकाल, निकाल ले तीनों निकाल के, ठीक है एक बाजू रख ले, बाजू रख लिया। फिर ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये दो पार्ट में बढ़ता है, एक केस ये कहता है कि तेरा एक्चुअल रेंट ER से ज्यादा है, मतलब सरकार ये कह रही है कि तेरा रेंट 12 लाख है, तू कह रहा नहीं नहीं 14 लाख है, तो फिर सरकार को क्या दिक्कत है, ठीक है GAV तेरा एक्चुअल रेंट है, तू जो कह रहा है वही मान ले, पहले वाले केस में कोई दिक्कत नहीं सर। एग्जाम्पल वन मैंने करवाया, एग्जाम्पल वन में देखे हैं, देखो एग्जाम्पल वन में 1,50,000, 2,20,000, AR कितना 2,20,000, मेरा AR एक्चुअल में एक्सपेक्टेड रेंट से बहुत ज्यादा है, तो सरकार कह रही GAV तेरा क्या हो जाएगा 2,20,000, कोई इशू नहीं। केस नंबर टू में देखते हैं, सरकार का जो रेंट है वो ज्यादा है AR से, एक्चुअल रेंट से, सरकार का जो रेंट है वो ज्यादा है एक्चुअल रेंट जो तुम्हारे पास है, वो क्या कारणवश है, वो कारण वैकेंसी का है, वो कारण वैकेंसी, अगर वो ड्यू टू वैकेंसी है तो ठीक है, फिर GAV = AR, मतलब ये वाला केस सेम उतार दे, GAV = AR, यार तेरा जेन्युइन रीजन है, तेरा खाली था मकान तो कोई बात नहीं, तू जो कह रहा है वो सच कह रहा है, मान लिया GAV तेरा उतना ही मान लिया, लेकिन उसके अलावा कोई रीजन है तो फिर जो मैं कहूंगी सरकार, जो मैं कहूंगी वही तेरा GAV होगा, बस तेरे लिए दया रहम इतना कर दूंगी कि जो तुझे वैकेंसी लॉस तू कह रहा है ना वो माइनस करवा, बस समझ में आया। केस नंबर टू पे देखते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट सरकार का रेंट ज्यादा है एक्चुअल रेंट से ओनली बिकॉज ऑफ वैकेंसी, देखते हैं कैसे वैकेंसी कैसे ढूंढी जाएगी, म्युनिसिपल वैल्यू ARR वैकेंसी 4 महीने की, एक्सपेक्टेड रेंट कितना आ गया सीधा 1 लाख आ गया, ARR कितना आ गया 10,000 × 12, 1,20,000, एक्चुअल में 4 महीने की वैकेंसी थी इसे 10,000 × 8 month 80,000, ठीक है ठीक है। अब तुम चेक करो क्वेश्चन में कि क्या वो वैकेंसी के कारण था कि नहीं था, क्या उसका रीजन वैकेंसी था, हाँ भाई
देखो तुम जीएवी इक्वल टू ईआर ग्रेटर देन एआर, ईआर कितना है सब मेरा 1 लाख है, एआर कितना है सर 80,000। सर ठीक है, दिक्कत है सर, सरकार का रेंट ज्यादा है तुम्हारे रेंट से लैंडलॉर्ड के, क्या रीजन रहा? वो कह रहा है वैकेंसी है, प्रूफ कर वैकेंसी है। कह रहा है ठीक है प्रूफ कर देता हूं, मान ले वैकेंसी नहीं है, जीरो वैकेंसी जीरो, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12 120,000, अब मेरा कितना आता, अब मेरा कितना आता फिर एक्सपेक्टेड रेंट होता 1 लाख, और एआर मेरा कितना आता अगर वैकेंसी जीरो कर दूं 120,000। सरकार देख तेरे से ज्यादा है, तू 1 लाख कह रहा है, मैं 120,000 कह रहा हूं, वो तो मेरी वैकेंसी थी, मेरा खाली पड़ा था इसलिए मैंने एआर 80,000 लिया है, अगर मेरा भरा होता ना मैं इसको 120,000 लिखता इस फिगर को, फिर ये केस कौन सा बन जाता, ये वाला केस, फिर ये केस ये बन जाता, फिर मेरा एआर ज्यादा होता तेरे वाले से, केस 1 बन जाता फिर। ठीक है ठीक है, फिर कह रहा चलो ठीक है, तू कह रहा तेरी बात मान ली हमने, तू कह रहा तेरी बात मान ली, इसीलिए जीएवी एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा होते हुए भी मैं तेरा जीएवी एआर ले रहा हूं। ठीक है, दूसरा तीसरा एंड लास्ट, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ वैकेंसी, कोई और कारण भी था, कोई और क्या कारण था, अरे तेरा एक्सपेक्टेड रेंट ही बहुत ज्यादा था यार, तेरा एक्सपेक्टेड रेंट ही बहुत ज्यादा था। ये देख थर्ड केस, म्युनिसिपल वैल्यू 1 लाख, म्युनिसिपल वैल्यू 6 लाख, एक्चुअल रेंट 15,000 पर मंथ, वैकेंसी 4 महीने, एक्सपेक्टेड रेंट 6 लाख, अरे कहां 6 लाख, एआरआर 15,000 मल्टीप्लाई बाय 12, इतना रिसीव होता 1,80,000, वैकेंसी थी 4 महीने की, इतना रिसीव हुआ 15,000 मल्टीप्लाई बाय 8, 4 हटा दो क्योंकि वैकेंसी थी, तो 8 महीने, 12 में से 4 महीने हटा दो वैकेंसी के, 8 महीने ही मकान रेंट पर था, हाउस प्रॉपर्टी रेंट पर थी, तो 8 महीने मल्टीप्लाई बाय 15,000 कितना आ गया 1,20,000। अब वो कह रहा है वैकेंसी चेक करवा, क्या तेरा ये, अब चेक कर जीएवी एक्सपेक्टेड रेंट ग्रेटर देन एआर, क्या तेरा एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा है एआर से, हाँ ज्यादा है 6 लाख 1,20,000। वो कह रहा है वैकेंसी के कारण है, चेक कर, वैकेंसी ना होती 15,000 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना आता 1,80,000, फिर भी मेरा एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा होता, यहां पर लिखता मैं 6 लाख, यहां पर लिखता 1,80,000, तो भी मेरा एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा ही रहता। लेकिन सेकंड वाले केस में अगर मैं वैकेंसी नहीं थी तो मेरा यहां पर 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12 1,20,000 एआर ज्यादा हो जाता, लेकिन यहां पर वैकेंसी ना होते हुए तब भी मेरा कम ही रहता। तो सर वो कहते हैं भाई जीएवी तेरा एक्सपेक्टेड रेंट ही होगा, बस उसमें से माइनस करवा दिए लॉस ड्यू टू वैकेंसी। जनरली सरकार भी ठीक है, तू 4 महीने कह रहा है ना, कर ले 6 लाख, 4 महीने का रेंट हटा ले इसमें से 60,000, 50,000 तेरा जीएवी हो। हाँ जी बोलो, कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं आया, समझ आया कॉन्सेप्ट नहीं आया, आ गया सर, चल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब चुन्नू मुन्नू सा 10% ये चैप्टर रह गया, बाकी हमने ये पूरा का पूरा चैप्टर, बुक निकाल लो देखो एक बार, पूरा का पूरा चैप्टर कर दिया है कंप्लीट। हाँ जी, अब यहां से देखेंगे एक बार, यहां से देखेंगे साहब एक बार जल्दी बुक से, लेट आउट प्रॉपर्टी वैकेंट फॉर Part of the year, वो कहता है, वो क्या कहता है, expected rent shall be calculated for whole year while computing ARR, rent for the period for which the house was vacant shall be excluding, ARR निकालते time वो rent exclude कर देना, मतलब actual rent ही लेना। अगर आपका ARR ज्यादा हो expected rent से, expected rent मतलब सरकार का rent आपके ज्यादा है, sorry सरकार का रेंट कम है, या फिर कहूं आपका रेंट सरकार के रेंट से ज्यादा है, ये ठीक है, आपका रेंट ज्यादा है सरकार के रेंट से, तो जीएवी क्या होगा आपका रेंट, आपका रेंट कम है सरकार के रेंट से लेकिन वो वैकेंसी के कारण है तो फिर जीएवी क्या होगा आपका ही रेंट, आपका रेंट कम है सरकार के रेंट से लेकिन वो वैकेंसी के कारण कोई और कारण है फिर ईआर, या फिर ईआर माइनस लॉस ड्यू टू वैकेंसी। सर दो लिखे हुए आपने, ये भी अप्रोच है ये भी अप्रोच है, ये एग्जाम में फॉलो करके आना, लॉस ड्यू टू वैकेंसी माइनस कर पाते, दो अप्रोच लेकर चलते हैं, कुछ ऑथर ईआर लिखते हैं कुछ ऑथर ईआर माइनस लॉस ड्यू टू वैकेंसी, जो रीजनेबल सेंस कहती है वो यही कहती है भाई जो वैकेंट था वो तो माइनस करवा कम से कम, सरकार तू तो 6 लाख कह रही है, कहां तू और कहां मैं, कहां 1,20,000 कहां 6 लाख, कम से कम ये वैकेंसी तो माइनस करवा दे यार, करवा दिया 40,000-60,000 रुपए 5,40। बोलो जी समझ आया, हाँ जी कंप्लीट, हाँ सर कंप्लीट, चलो भाई तो हाउस प्रॉपर्टी भी आपका मोटा मोटा कंप्लीट हो गया, होमवर्क लिखो फटाफट एक बार इसी बात पर, आज कुछ आप होमवर्क करके आएंगे, कल हम क्वेश्चन बैंक से कुछ आपके लिए बढ़िया क्वेश्चंस करवाएंगे,
ये आपका कौन सा चैप्टर था सर? ये था हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस। चलो ठीक है, इसको छोड़ दो, इस पे आप हाउस प्रॉपर्टी पे कंप्यूट जीएवी होमवर्क है जी। छोटे छोटे क्वेश्चन है, आईसीआई का मॉड्यूल ग्रोस एनुअल वैल्यू होमवर्क है जी, होमवर्क है जी। जीए भी निकालना है, दो दो मिनट के सारे क्वेश्चन है, चार क्वेश्चन है, 8 या 10 मिनट में मैक्सिमम खत्म हो जाने चाहिए। पांचवा मत करना अभी, थ्योरेटिकल है, एक बार रीड आउट कर लेना। चलो जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये हम करवाएंगे कल, आठवां हम करवा देंगे। नवा एक बार खुद से प्रैक्टिस करना, ये भी होमवर्क है जी। दसवां भी होमवर्क है आपका। ये कुछ क्वेश्चंस होमवर्क हैं आपके, बाकी क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा आपके, ठीक है? अभी के लिए सिर्फ इतना ही होमवर्क, ठीक है? ठीक है जी। और क्वेश्चंस हैं काफी आपके, एडवांस क्वेश्चंस भी हैं, एडवांस क्वेश्चंस फिर हम देखेंगे बाद में, ठीक है? ठीक है जी, ठीक है सर। तो जितना होमवर्क दिया है आज के आज खत्म कर लेना, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ अलग क्वेश्चंस के साथ, 5 या 10% ये चैप्टर रह गया, नेक्स्ट क्लास में आपका बिल्कुल खत्म करवा देंगे ये वाला चैप्टर। चलिए जी, थैंक यू सो मच, बाय बाय।